वाह पटने, क्या हाल है? ऐसा तो नहीं कहेंगे ना? वर्ण व और अण दो से लिखा है ना बाबू? कितना से लिखा है? दो से लिखा है, इसलिए वर्ण के दो लड़के हैं। कितने लड़के हैं? दो। एक छोटा लड़का का नाम है स्वरवर्ण। क्या नाम है? स्वरवर्ण नाम है। और बड़ा लड़का का नाम है व्यंजन। देखिए तो स्वर एक दो तीन को से लिखा गया, इसलिए इनके तीन प्रकार है। एक दो तीन चार पांच को से लिखा गया, इसलिए इसके कितने प्रकार? पांच प्रकार। कुकुर ससुर याद रहेगा? कुकुर ससुर, दुनिया भर के बिन कुकुर ससुर। क्लास 10th और 12th के विद्यार्थी हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हो रहा है हिंदी के व्याकरण पर वार। बहुत ही शानदार तरीका से ये पूरा का पूरा व्याकरण आपको चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, पूरा व्याकरण में आपको याद एक जगह नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक जगह भी याद करने की कोशिश की तो समझिएगा आपको एक चीज याद नहीं होगा, ठीक है? सब कुछ आपको ट्रिक से समझ लेना है और हर चीज आपका बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो वर्ण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब ट्रिक है। एक ही ट्रिक में आपका वर्ण से स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण का पूरा कहानी खत्म। वर्ण एक ध्वनि है, एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको फिर दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे हम अगर बोलते हैं अ, तो जब अ बोल रहे हैं अंदर से मुंह से क्या निकाल रहे हैं? अ, अ निकल गया ना, तो एक निकाल रहे हैं अ। अब अ को आप तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वही बोलेंगे क तो कहिएगा सर इसमें जब आप क बोल रहे हैं ना तो क भी बोल रहे हैं, लास्ट में क अ भी आ रहा है। यानी इस क को बनाने में क तो आ ही रहा है थोड़ा सा, लेकिन साथ में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो सुनिएगा, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण इसी ध्वनि को कहते हैं कि जो इसके लास्ट में ये सब आए, अब फिर इसे दोबारा नहीं तोड़ा जा सके। इसको तो तोड़ दिया ना दो हिस्सा में, लेकिन एक ऐसी आवाज क लास्ट में अ वाला आवाज आ रहा है ना, वो अ वाला आवाज को फिर दोबारा नहीं तोड़ा जाए, इसी को वर्ण कहते हैं, ठीक है? वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं, उस मूल आवाज को कहते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सके। वर्ण व और अण दो से लिखा है ना बाबू? कितना से लिखा है? दो से लिखा है, इसलिए वर्ण के दो लड़के हैं। कितने लड़के हैं? दो। एक छोटा लड़का का नाम है स्वरवर्ण। क्या नाम है? स्वरवर्ण नाम है। और बड़ा लड़का का नाम है व्यंजन। देखिए तो ये बड़ा लिखा गया ना, ये तीन गो से लिखा गया है, ये एक दो तीन चार पांच गो से लिखा गया है। तो छोटा लड़के का नाम स्वरवर्ण, बड़ा लड़के का नाम व्यंजन वर्ण। लेकिन पता है ये छोटा है लेकिन बड़ी स्ट्रांग है, इसके अंदर बहुत हिम्मत है। लेकिन व्यंजन वर्ण कहता है कि देख छोटका, तू हमारे साथ रहेगा ना तभी हमारा कोई वैल्यू है। तो व्यंजन वर्ण को बोलते समय रुकावट बाधा लाइफ का एक हिस्सा है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसको उच्चारण करने में, बोलने का मतलब उच्चारण करना, मुंह से बोलने का उच्चारण कहला, जिसको उच्चारण करने में किसी के सहारे की जरूरत नहीं हो। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसको उच्चारण करने में किसी के सहारे की जरूरत हो। किसके सहारा? स्वर का सहायता लेना पड़े, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ये देखिए, स्वर एक दो तीन गो से लिखा गया, इसीलिए इनके तीन प्रकार हैं। इसके कितने लड़के? तीन लड़के। ये एक दो तीन डरपोक है, लेकिन देखो गाधा को पांच गो औलाद है, ठीक है? डरपोक होते होते पांच गो औलाद है। एक दो तीन चार पांच गो से लिखा गया, इसीलिए इसके कितने प्रकार? पांच प्रकार। हम बोले ना आपको 1% बाबू रटने नहीं देंगे। अब किसे कहते हैं ये? तो जिस स्वर, हर्षो स्वर दीर्घ स्वर पुल, हर्षो माने हर्षई, जैसे कि अ छोटी ई छोटा ओ री, ये जो चार है ये हर्षो स्वर है। अ छोटी ई छोटा ऊ और री, ये हर्षो स्वर है। अब बाकी जो बच गया दीर्घ ही होता है ना, जैसे देखिए ये बड़ा की लिखते हैं, तो ये बड़ा की क्या है? ये बड़ा ई है, ओ आमे का है। यानी कि हर्षो स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे। देखिएगा, अ और अ मिला के बनता है आ। क्या बनता है? आ। तो अ एक छोटा सा है तो छोटका हर्षो हो जाएगा, अब बड़ा वाला हो जाएगा आ, उसके बाद हो जाएगा बड़ी। अब कहिएगा सर अंग और अह कहाँ जाएगा? तो सुनिए, ना वो स्वरवर्ण होता है ना व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है? अंग और अह को अयोग्य वाह कहते हैं। अंग और अह को क्या कहते हैं? अंग और अह को कहते हैं अयोग्य वाह। आपसे ये भी पूछ सकता है अयोग्य वाह, वाह वाह बोलते हैं तो अह आ रहा है ना, ठीक है? अयोग्य वाह, तो पूछ देगा इनमें से कौन अयोग्य वाह है, सब ऑप्शन दे देगा, इसमें दोनों में से कोई एक दे देगा, तो अंग और अह अयोग्य वाह है, यहां समझिएगा ध्यान से, ठीक है? अब देखिए, अब कहेगा सर पल्लुत स्वर, तो जिसको बोलने में कम समय लगे उसे स्वर हर्ष स्वर, जिसको बोलने में स्वरवर्ण से ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर, और जिसको बोलने में खूब ज्यादा समय लगे, जैसे इसका उपयोग ड्रामा वगैरह में होता है, जैसे पंडित जी वाला सुने हो ना, ओम तरर वाला सुने हो ना, वही वाला तरर बोलते चला जाता है ना, तो वही वाला क्या हो जाएगा? पल्लुत स्वर। जिसको बोलने में खूब लंबा टान के बोला जाए उसे कहते हैं पल्लुत स्वर, जैसे ओम भी हो जाएगा, ओम क्या हो जाएगा? ओम भी हो जाएगा। अब समझिएगा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण तो बहुत आसान होता है, जिसको बोलने में किसका छोटका भाई यानी कि स्वर का सहारा लेना पड़े। ये पांच प्रकार का स्पर्श,
हम डायरेक्ट स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन ये पूरा का पूरा क से लेके म तक सब चला जाएगा स्पर्श व्यंजन में। अब ये बच गया तो इसमें हम बांट रहे हैं चार गो य र ल व को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्याएं चार होती है। उसके बाद उष्म किसे कहते हैं, उष्म स है ना, तो ये चार गो इसमें भी ले लो ठीक है। तो उष्म व्यंजन तलाविश मुदंस दंतिश और ह, यानी कि स श और श को और ह को ये चार को कहते हैं उष्म। इसको बोलने में मुंह से ज्यादा गर्मी उष्मा निकलता है। अब ये लो, ये तो चार गो है ही नहीं, ये तो अपन चार गो बांट लिया, ये भी अपना चार गो बांट लिया, ये नहीं है। तो देखना एक हिंदी लिखते समय इसका उपयोग हम लोग करते हैं, स्र का उपयोग करते हैं, तो ये भी हो जाएगा चार गो। इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे त्र है तो त और र दो गो मिल के बना है ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं संयुक्त। छ क और स मिल के बना है, ज्ञ ज और य मिल के ज्ञ बना है, इस तरह से स और र मिल के स्र बना है, तो दो तीन चीज मिल के बना है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच गया एक द्विगुण व्यंजन। अब भाई हमारा अ आ खत्म हो गया, कख गयर लो खत्म हो गया, अब ये कौन सा यार लिखने में, हिंदी लिखने में शब्द आता है जो कि द्विगुण में डाले। तो फिर आदमी सोचा कि अच्छा हाँ, जब हम कपड़ा उपड़ा लिखते हैं ना कपड़ा, तो इसमें ड आता है, ये अभी तक इसमें नहीं आया, इसमें आया है तो ड आया है। ये कहाँ आया है, नीचे बिंदा वाला। तो बोला कि अच्छा ये दो गो स्पेशल है, ड और ढ, तो दो गो स्पेशल है, दो गो गुण स्पेशल है, इसीलिए इसका नाम है द्विगुण, दुए गो स्पेशल था, तो ड और ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ड और ढ को द्वि, इसके नीचे बिंदु देने से बनता है। और हाँ पता है इसका उपयोग कहाँ होता है, या तो बीच में होगा नहीं तो अंत में होगा। जैसे कपड़ा लिखे हैं तो लास्ट में हुआ है ठीक है, लड़का लड़की तो लड़का बीच में हुआ है कि नहीं, तो इसका उपयोग बीच या अंत में होता है। तो ये आप पूरा का पूरा वर्ण समझ गए होंगे। कस देखिए आज कख ग का इस्तेमाल समझ गए ना, क से लेके ज्ञ तक लिख दीजिएगा, क से म तक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यर ल व चार चार को जोड़ लीजिएगा, उसमें फिर चार को जोड़ लीजिएगा, संयुक्त चार को करने के लिए सर जोड़ लीजिएगा, अब दो गो स्पेशल बच गया, तो ये हो जाएगा द्विगुण। ये भी आप समझ गए। हाँ व्यंजन पांच गो से लिखेगा तो इसके पांच प्रकार, ये आपको पूछा जाएगा कि व्यंजन कितने प्रकार, तो ये अच्छा हाँ व्यंजन पांच गो से लिखा गया है ना, एक दो तीन चार, एगो पर वाला पांच ठीक है, ये तीन गो से लिखा है तो इसके तीन लड़के, ये दो गो से लिखा है तो इसी के दो लड़के हो गए। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, किसको कंठ से, किसको दांत से, जीभ से, किसका सहारा लेके बोलते हैं, उसको समझते हैं। तो आज आपको हमेशा हमेशा के लिए एक डाउट हो जाएगा आउट, पता है क्या, कि उच्चारण स्थान, जैसे कोई भी शब्द बोलते हैं तो कहाँ से कौन से स्थान का सहारा लेके बोलते हैं, क बोल रहे हैं तो कंठ का सहारा लेते हैं, जीभ का सहारा लेते हैं, होंठ का सहारा लेते हैं, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव हमेशा दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है बाबू, तो ये डाउट आज क्लियर हो जाएगा। पहले स्थान का नाम जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं बाबू मामला क्या, सबसे बड़ा दिक्कत है, हम लोग तीनों स का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए और दिक्कत होता है। आप बोलिए मान लीजिए कि पहला वाला होता है तलाबी स मूर्धन्य स दंती स, ये हम लोग कैसे बोलते हैं, तालाबे स थोड़े बोला जाता है। मान लीजिए स से लिखना है तो कहोगे तालाबे स अस्तालाबे सी, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए स से बोलते समय हम लोग तीनों स का उच्चारण हम कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम तालाबे स को बोल रहे हैं स अलग लगा ठीक है, उसके बाद से मूर्धन्य स अलग बोलते हैं स स स, जो नॉर्मल स होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ये वाला दंती स, तो इस स का उच्चारण, इस स का उच्चारण और इस स का उच्चारण, तीनों का उच्चारण अलग अलग होता है। हम अभी इसका कर रहे हैं, देखिए श श बोल रहे हैं ठीक, इसका बोल रहे हैं, तो इसको बोलते समय देखो क्या करते हैं, अपने जीभ को मोड़ते हैं उसके बाद बोलते हैं श ठीक है, और ये जो है ये जीभ सीधा रहता है और स बोलते हैं, सीधा रहेगा तो स ठीक है, थोड़ा सा जीभ को ऊपर तालू में सटाएंगे श ठीक, और ये वाला जो उच्चारण है उसको जीभ को मोड़ के श ठीक है, ये तीनों का उच्चारण अलग अलग है, और यहीं से तो पता चले कौन कहाँ स्पर्श हो रहा है। अब बात दांत तो जानते हैं कि दांत में सटेगा तो दांत हो गया, होंठ में सटेगा तो होंठ हो गया, मृदा बहुत डाउट होता है कि ये मृदा जो होता है ये मृदा होता क्या है, ये कौन से स्थान में सटता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं मृदा बोलते हैं। तो सुनिए ध्यान से, जब आपका जीव थोड़ा सा उठ के जाके तालू में सटे, उठ के क्या, या तो जीभ को मोड़ के बोलो या जीभ को उठा के तालू में सटाते हो ठीक है, तालू ऐसे मान लीजिए कि जीभ हो गया तो ऐसे उठ करके और ऊपर वाले जाके भाग में तालू में अगर ये सटता है तब जो आवाज निकलता है, जैसे र बोलिए तो र में क्या होता है कि जीभवा हल्का सा पीछे आता है ठीक है, र ऊपरवा सट के बार बार ऐसे ऐसे करता है, तो ऊपर अगर मोड़ करके जीभ सट रहा है तो उसी को कहते हैं मृदा में सटा है ठीक है। री ठीक है, ट बोलिए तो ट भी जीभवा को मुड़ करके और ऊपरवा सट रहा है, तो जब जीभ को मुड़ करके ऊपर सटता है ना इसी को क्या कहते हैं मुर्दा कहते हैं। जैसे ट तो ट में भी ऊपर मुड़ के सटा है,
ठ ड ढ र, तो र भी ऊपर से हट रहा है ना, री अ आमे का री, तो ये सब क्या हो जाएगा, मुर्दा से बोला जाता है, ठीक है। और ये भी जो स बोलते हैं ना, ये जिभवा को मोड़ के बोलते हैं श, क्या बोल जाता है श, तालाबे स को श, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। कंठ, कंठ क ख ग वाला सभी जो होता है इसे कवर्ग कहते हैं, क वाला वर्ग, यानी कवर्ग चवर्ग होता है तो कवर, क ख ग अंग वाला को कंठ से बोलते हैं। उसके बाद अ, कंठ से आया क ख अ, है कि नहीं, आ ह, सब यहां से निकल रहा है। लेकिन वही चछ जब बोलो तो तालु में जीभ सीधा है और तालु में सट रहा है, च छ ज झ य, ऐसे हो रहा है ना, तो ये तालु का सहारा लिया जाता है। उसके बाद से ई, ई में देखो पूरा का पूरा तालु नहीं सटता है, जैसे इसमें आ जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें अ और आ जाता है, इसके बाद से दूसरे वाले में, तालु वाले में छोटी ई और बड़ी ई आ जाता है य। अब तालु का सहारा कैसे, जब भी आप ई बोलते हैं तो आपका जीभ सामने है ई, ठीक है, तो जब भी किसी शब्द का उच्चारण करते समय आपका जीभ सामने हो, थोड़ा सा तालु में सट भी सकता है, नहीं भी सट सकता है, जैसे चछ ज में सटता है, लेकिन ई, ई में तो जीभ आगे है, ठीक है, य तालाबे श, तो जब श बोलिएगा ना तो जीभ आगे है, तो ये उच्चारण स्थान हो जाता है। मुर्दा आपको बता दिए जीभ को मोड़ के बोलना है। दंत, दंत में जब तथ द बोलिएगा ना, तथ द, तो द से ट्रिक याद रखिए, द वाला तथ द में आता है ना, तो तथ द वाला नहीं, त वर्ग इसको कहते हैं, तथ द को त वाला वर्ग है यहाँ तक, तो त वर्ग हो जाएगा। अब इसमें बोलते समय हमारा जीभ हमारे दांत के पीछे रहता है, त थ द ध न, ऐसा हुआ ना, हमारा जो जीभ है हमारे दांत के क्या है, पीछे, तो ऐसे कहते हैं कि दांत का सहारा लिया जा रहा है, थोड़ा सा सटता है तो ये तथ द। उसी तरह ल, तो ल भी ऐसे ही है, स तो नॉर्मल स भी बोलोगे तो ऐसे ही निकलेगा। होस्ट, होस्ट मतलब होंठ का उपयोग, आप दोनों होंठ पकड़ करके आप पफा हुआ बोल सकते हैं, एक बार बोल के देखिए तो, क्या आप दोनों होंठ पकड़ के पफा हुआ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए पफा हुआ का उच्चारण तो बहुत आसान था, ऊ, तब ओठवा को गोल बनाते हो तो ऊ बनता है, तो ये ओठ का सहारा लेना पड़ता है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब टॉपिक यहाँ पे है, अनुनासिक शब्द क्या है, तो जो नाक और मुंह का सहारा लेके बोला जाए ना उसे अनुनासिक कहते हैं। बता रहे हैं किसी के नाम, जैसे कंचन नाक से नहीं बोल सकते हो, नाक पकड़ के बोलो कंचन, अजीब सहारा है ना, ठीक है, तो नहीं बोल सकते हो, यानी कि जिसको बोलने में नाक और मुंह का सहारा ले जाए, जैसे कि पंचमाक्षर हो जाएगा। अब कहेगा सर पंचमाक्षर का होता है, हर क ख का पांचवा अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं, तो यही पांचवा अक्षर होता है, अंग य ण न म, ये सब नाक और मुंह से बोला जाता है, ठीक है, नाक से बोला जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार में जैसे कंग, तो कंग जो बोल रहे हैं हम, तो इसमें भी नाक का सहारा है। चंद्रबिंदु में माँ, माँ है ना चंद्रबिंदु, तो ये वाला भी, तो ये सब नाक से बोला जाता है, किससे बोला जाता है, नाक। कभी आप देखिए नाक पकड़ करके और क ख ग घ एकदम साफ बोल सकते हो, लेकिन अंग नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पांचवा अक्षर नहीं बोल सकते हो। चछ ज बोल सकते हो, य नहीं बोल सकते हो सही से, ठीक है, पंचवा अक्षर में, इसी को अनुनासिक कहते हैं, जिसे हम लोग नाक और मुंह का सहारा लेके बोले लेकिन पूर्णतः साफ नहीं बोल पाते हैं नाक पकड़ करके, ठीक। अब बताइए ये श, अब हम जो बोल रहे हैं श, तो स का उच्चारण स्थान मृदा है, याद रखिएगा। री, री में क्या कर रहे हैं, जिभुआ को क्या कर रहे हैं, ऊपरवा सटा रहे हैं मृदा में, ऊपर वाले तालु में सटा रहे हैं, उसी को मृदा कहते हैं, तो ये हो जाएगा री का स्थान, ये हो जाएगा ह। ह बोल रहे हैं कंठ से, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, तो ये वाला आपको उच्चारण स्थान समझ में आया होगा। अब देखिए स्वर की संख्या 11 गो है, पीछे वाले में हम छूट गया था, और व्यंजन की संख्या 33 गो है। अब कहिएगा सर 11 गो कैसे, अ आ टोटल अह तक 13 गो होता है, लेकिन उसमें अ तक ही स्वर वर्ण है। अब अंग और अह को अयोग्य वाह कहते हैं, अंग और अह को क्या कहते हैं, अयोग्य वाह कहते हैं, ठीक है, अयोग्य वाह, तो ये आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला एग्जाम में दो दो बार पूछा है कि स्वर की संख्याएं कितनी होती है, तो स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 1 2 3 गो से लिखा गया है, तो तीन प्रकार का, 1 2 3 4 पर बिंदु है 5, तो ये 5 प्रकार का। लेकिन ऐसे संख्या अगर पूछ दे कि स्वर वर्ण की संख्या कितना, तो 11, 11 3 33, 3 है ना व्यंजन वर्ण की संख्या 33, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अल्प प्राण, माने जिसको बोलने में मुंह से कम हवा निकले, कम प्राण माने वायु, हवा, कम हवा निकले, जैसे क बोलोगे ना तो कम हवा निकलेगा, लेकिन ख बोलोगे ना तो ढेरे हवा निकलेगा। महाप्राण माने ढेरे वायु निकल जाए, ढेरे हवा मुंह से निकल जाए, उसे महाप्राण कहते हैं, तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बाबू सबसे ज्यादा रहता है, पता है क्या पूछता है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, अघोष, पता नहीं क्या क्या पूछ देता है। लेकिन पता है ये भी एक चुटकियों में बता सकते हैं, देखिए कैसे समझिएगा। अल्प प्राण, प्राण मतलब होता है वायु, हवा, अल्प माने होता है कम, जिस
पूरा क ख ग यहाँ लिख दिए हैं, क ख ग घ यर ल व अ आ, बस इतना ही से आपको सब कुछ समझना है, ठीक है। अल प्रण मतलब जिस वर्ण को बोलते समय या जिस अक्षर को बोलते समय अल माने होता है कम हवा निकले, तो आप थोड़ा क बोलिए ख बोलिए, ये दोनों में बताइए कि मुंह से कम हवा किस में निकला, सोच के एक बार देखिए। तो क में मुंह से कम हवा निकला है, क में मुंह से कम हवा निकला है, तो अल्प प्राण में आ जाएगा क वाला, क एगो याद रखिएगा, क वाला में क्या हर पहला अक्षर आ जाएगा, क ख ग का क, च छ ज का च, ट ठ ड का त, तो ये एक नंबर वाला सब क्या है अल्प प्राण है, क ख में पहचान के, आ ख में ज्यादा हवा निकल रहा है ना, तो ये हो जाएगा महाप्राण, तो ये हो जाएगा दो नंबर क्या महाप्राण, समझिएगा। अब ग और घ में देखिए किस में हवा ज्यादा निकल, कम निकल रहा है, तो जब ग बोलिएगा ना तो कम हवा निकलेगा, तो अल्प प्राण में यानी तीन नंबर वाला भी सब, तीन नंबर वाला सब, हम ग का बात करें, ज का बात करें, ड का बात करें, द और ब, ये सब का बात करें, ये क ख ग च छ ज ट ठ द त थ प फ व में सब तीन नंबर वाला क्या हो जाएगा अल्प प्राण, आ घ चार नंबर पर ज्यादा हवा निकला ना, तो चार नंबर वाला सब यहाँ पे क्या हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा, महा मतलब ज्यादा हवा निकल रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद से अंग, अंग में भी मुंह से हवा नहीं निकल रहा है, तो ये भी अल्प प्राण है, तो समझिएगा अल्प प्राण में एक नंबर, एक नंबर, तीन नंबर, पांच नंबर, यर लव में भी हवा बहुत कम निकलता है, तो यर लव भी हो जाएगा, यानी यर लव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन याद है ना, यर लव, उसके बाद से तलाबे समुदन स दंती सह को उष्म कहते हैं, लेकिन एक नंबर, तीन नंबर, पांच नंबर और फिर यर लव, ये सब अल्प प्राण में है, 135 याद रखिएगा ना, तो ये पता चल जाएगा एक नंबर का सब, तीन नंबर का सब, पांच नंबर का सब, इसे क्या कहते हैं अल्प प्राण, माने मुंह से कम हवा निकले। महाप्राण में जिससे मुंह से ज्यादा हवा निकले, तो ये हो जाएगा कौन, दो नंबर वाला हो जाएगा, चार नंबर वाला हो जाएगा। और देखिए ना, जब आप श बोलिएगा ना, श तो सबसे ज्यादा हवा निकलता है, मुंह से वायु निकलता है, तो ये दो नंबर वाला, चार नंबर वाला, और ये कौन हो जाएगा आपका श वाला ह तक, ये सबका हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। तो ये प्राण समझ गए। अब आते हैं सघोष और अघोष की बात करते हैं, सघोष अघोष क्या होता है, तो ये भी इसी से पहचानना है, लेकिन ध्यान से समझिएगा सघोष और अघोष में क्या अंतर होता है। देखिए सघोष का मतलब होता है जब आप किसी भी क ख ग को बोलेंगे ना, कोई भी एक किस्में से मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपकी इंद्रिय लय के मुंह झनझन आ गया, उसमें क्या होता है, जैसे कि आप क बोलिए, ख बोलिए, ग बोलिए, तो ग में लय के पूरा मुंह वाइब्रेशन में आ गया, ठीक है, तो जिसको बोलने में पूरा हमारी इंद्रिया झनझना आ जाए, पूरा इंद्रिया झनझना जाए, उसमें क्या होता है सघोष कहते हैं, या फिर सघोष को एक और नाम से जानते हैं घोष। उसमें अ आ, देखिए पूरा ही गला बजा ना, अ वाइब्रेशन कर रहा है, तो पूरा स्वर आ जाएगा, स्वर वर्ण आपको पता है ना, अ से लेके अ तक को क्या कहते हैं स्वर वर्ण, अंग और अह नहीं है, अंग और अ अयोग्य वाह है, ठीक है। यहां देखिए तो सघोष किसे कहते हैं, जिसमें तीन चार पांच, यानी कि तीन नंबर वाला, चार नंबर वाला और पांच नंबर वाला, यानी कि तीन चार पांच, ये लगातार ये तीनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों अगर देखे तो ये क्या हो जाएगा सघोष हो जाएगा, ये तीनों का हो जाएगा सघोष, इसे घोष भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से यर लव वाला भी हो जाएगा, ये सब एक में लपेट लीजिए, चारों लगातार है ना, ठीक है, तो ये सघोष हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, सभी स्वर आई चारों लगातार, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, यर लव, म के बाद यर, देखो ग, ग वाला, ज वाला, ड वाला, ये सब हो जाएगा यर लव हो जाएगा, इसे सघोष कहते हैं। आ जौन बच गया ना, वो हो गया अघोष, तो एक नंबर बच गया अलग, दो नंबर बच गया, और ये तीनों स बच गया, क्या बच गया तीनों स। लेकिन यहाँ एक चीज समझिएगा, इसीलिए यही पूछेगा, बड़ी डेंजर है, ये जो ह है ना, ये खिसिया के आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा इसमें, तो ये वाला आ जाता है ह, इसमें आ जाएगा, अब ये चारों हो गया, समझ में आया। तो ये देखिए तीन चार पांच, जिसमें एगो ह भी है, ठीक, ये वाला हो जाएगा, और सभी स्वर सघोष हैं, क्या है सघोष में स्वर, तो स से स्वर, स से सभी स्वर, स से सघोष, तो सभी स्वर सघोष होते हैं, ये याद हुआ, ये याद रखेंगे। उसके बाद अल प्राण, जिसको बोलने में कम वायु लगे, तो आप तो क से लेकर के अंग तक जब बोलिएगा ना, तो इसी से पहचान हो जाए, क ख, ख में ज्यादा निकल रहा है हवा, ख में ज्यादा वायु तो महाप्राण आ जाएगा, क में कम वायु तो अल्प प्राण, तो क वाला में लाइन घिंच दीजिएगा, क च ट त प, इस सब हो जाएगा। तो आते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव, देखें निम्नलिखित में से कौन घोष है, घोष या सघोष, दोनों बताइए, तो सभी स्वर, सभी स्वर, उसके बाद से तीन चार पांच, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक सभी स्वर, तो यहां देखिए तो
सभी स्वर हम क्या लिखे हैं जी, घोष है, घोष की बात किए तो सभी स्वर में यहाँ पे ह होगा, तो अभी ये तो बताए ये वाला ह यहाँ घींच के लाए ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका, इसमें कौन हो जाएगा, घोष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण है, जब आप बोलिएगा ना ऐसे करके ठीक है, तो कम हवा निकलेगा, तो ख में तो ज्यादा निकलेगा ये होगा नहीं, ह में भी नहीं होगा ठीक है, घ में भी नहीं होगा, ल, ल में कम हवा निकल रहा है, आप बोल के देखिए तो ये वाला हो जाएगा। वैसे यहाँ देख लीजिए यहाँ पे कौन है अल्प प्राण, अल्प प्राण में तो एक तीन पांच होता है लेकिन यर ल भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सघोष नहीं है, सघोष नहीं है इसमें से, यानी कि बाकी सब सघोष है लेकिन एगो कौन नहीं है, तो सघोष किसे कहते हैं, तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर यर ल वाला ह भी होना चाहिए। तो यहां देखिए यर ल ये सघोष है, तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर में आता ही है, तीन नंबर में आता है, लेकिन स यहां देखिए स इसमें आता है, अघोष में आता है, तो ये वाला सघोष नहीं है, ये अघोष है ठीक है। उसके बाद सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अभी बताएं, स से स्वर, स से सघोष या घोष ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, अब आ गया मामला, तो महाप्राण किसे कहते हैं, दो नंबर, तो दो नंबर वाला, दो नंबर चार नंबर, तो ये हो जाएगा दो नंबर और ये हो जाएगा आपका चार नंबर, तो पांच ये और पांच ये कितना हो गया, दस, दस हो गया ना, उसके बाद दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, तो दो नंबर वाला सब, चार नंबर वाला सब, सब पांच पांच एक होना है जी, तो दो पांच और पांच दस ग्यारह बारह तेरह चौदह वो है, तो यहाँ पे चौदह आंसर आपका सही हो जाएगा, चौदह आंसर क्या हो जाएगा आपका सही। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा, सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण। फिर बिना देर के हम लोग देखते हैं शब्द विचार के बारे में जानते हैं, उसमें भी बहुत रूढ़ योगरूढ़ शब्द रूढ़ शब्द ये तो बस चुटकियों में बता दीजिएगा आप, तो वो भी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं बिना देर किए। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में तत्सम और तद्भव से पूछता है, आप बताइए होता क्या है कि एक तरफ संस्कृत का तत्सम लिखवा दिया जाता है, मैंने तत्सम याद करो और तद्भव याद करो, इसी में से कोई ना कोई आएगा, ऐसा हम बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है, और बच्चा याद भी करता है मेहनत भी करता है, लेकिन आप बताइए मान लीजिए कि आप जितना याद किए उसमें से ना पूछ के कोई दूसरा वर्ड पूछ दिया तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो कुछ ट्रिक समझिएगा और इस ट्रिक से आप डायरेक्ट तत्सम और तद्भव पहचान सकते हैं, देशज विदेशज विकारी शब्द अविकारी शब्द रूढ़ शब्द योग रूढ़ पता नहीं फलाना ढेमकाना कितना बहुत सारा होता है ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग शब्द पर विचार करेंगे कि आखिरकार कौन सा शब्द देशज है और कौन सा शब्द विदेशज है, कौन सा रूढ़ है कौन सा योग रूढ़ है कौन सा सार्थक है, इस शब्द पर हम क्या करेंगे विचार करेंगे, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है शब्द विचार ठीक है, इन शब्दों पर विचार करना है। अब सुनिए अगर बात करें शब्दों का तो ये चार हिसाब से बांटा गया है शब्द विचार को, देखिए अर्थ के आधार पर किसका अर्थ निकलता है किसका अर्थ नहीं निकलता है ये दो हिस्सा में बांटा गया है। पूछ देगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था पता है क्या, दो बार पूछा है कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, रचना पूछा रचना के आधार पर शब्द जो है शब्द कितने पार्ट में तोड़ा गया है, तो रचना के आधार पर शब्द तीन पार्ट में तोड़ा गया है, तो ये तो ट्रिक काम कर जाता है कि एक दो तीन वो से लिखा गया है तो ये तीन पार्ट में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीजें आपको बताना है, यहाँ समझिएगा हम पहले समझ रहे हैं अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, कैसे अ एक और एक दो गो से लिखा गया ना, तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के, एक शब्द को सार्थक और एक शब्द को निरर्थक, भुला गए कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक का मतलब होता है जैसे नहीं बोले मम्मी खाना ओना लाओ, खाना तो ठीक है ओना का होता है, तो यही है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक, और रोटी ओटी लाओ तो रोटी सार्थक शब्द है इसका अर्थ होता है, और जिसका अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, तो रोटी सार्थक हो गया और ओटी निरर्थक हो गया। खाना ओना लाओ पानी ओनी लाओ, तो पानी तक तो ठीक है ओनी का होता है तो ओनी निरर्थक होता है, ये भी बता देना ठीक है कि सुनो ना तुमको नहीं ना पता है हम बता रहे हैं, ओनी निरर्थक होता है और पानी सार्थक होता है ठीक है। थोड़ा सा खाना ओना खा ले थोड़ा सा इधर उधर तो इधर उधर तो चलेगा, तो यही होता है। देखो पानी ओनी लाओ तो पानी हो जाएगा सार्थक और ओनी हो जाएगा निरर्थक, तो अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के होते हैं। यहां देखिए व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर ये तीन प्रकार के क्वेश्चन कैसे याद रखिएगा, तीन प्रकार इसमें का आधा व और इसमें का आधा तो आधा से आधा खत्म कर दीजिएगा जब, तो एक दो तीन हिस्सा बचा और यह रचना में तो तीन गो से लिखा ही जाता है, तो इसके अनुसार तीन रचना के अनुसार या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद, पहला दो
दूसरा तीन, ठीक है, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तीन और दो, तो तीसरा हो जाएगा तीन और दो पांच, पांच भेद होते हैं इसके। तो सुनिए, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, अब रूढ़ माने होता है कठोर, जैसे कि रूढ़ का मतलब क्या होता है, कोई किसी का बात नहीं सुनता है तो कहते बड़ा रूढ़ आदमी है जी। तो रूढ़ का मतलब होता है जिसको तोड़ने पर, जिस शब्द को तोड़ने पर कोई अर्थ ही नहीं निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, राज एक शब्द है, किसी का नाम राज होता है ना, ठीक है, या राजा भी होता है, ये भी हो जाता है राज। तो राज को जब हम तोड़े हैं तो एगो निकला रा, एगो निकला ज, तो देखो ना, राज और रा का कोई अर्थ ही नहीं होता है, ज का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ऐसा शब्द जिसको तोड़ने के बाद दोनों में से दोनों बेकार हो जाए, कोई अर्थ नहीं निकले, ऐसे को रूढ़ कहते हैं। कहता है रूढ़, हम टूटेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे लेकिन नया कुछ नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे आप तो समझ गए, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो जिसको तोड़ने के बाद, जिस शब्द को तोड़ने के बाद, शब्द पर विचार करना है तो कोई भी शब्द को तोड़ने के बाद अर्थ निकले, दोनों का अर्थ निकले। जैसे विद्यालय को तोड़े हैं तो विद्या प्लस आलय हो गया, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय मतलब होता है घर। लेकिन वही देखिए, राज को तोड़े हैं तो ना रा का कोई अर्थ है ना ज का कोई अर्थ है। तो यौगिक का मतलब होता है कि भाई टूटने के बाद अर्थ निकले, और रूढ़ का मतलब होता है कि टूटने के बाद अर्थ नहीं निकले। लेकिन आ जाओ यहाँ पे दोनों को मिला देते हैं तो यौगिक का रूढ़ हो गया योग ऋण। अब योग ऋण शब्द किसे कहते हैं, ये तीनों एक ही में होता है जो कि व्युत्पत्ति के आधार पर है। तो योग ऋण शब्द, शब्द का कोई अन्य अर्थ होता है, ऐसा शब्द जिसको लिखने के बाद, देखिए कितने प्रकार के शब्द हैं, लिखने के बाद उसका अपना अर्थ ना होकर कोई नया अर्थ होता है। जैसे लंबोदर लिख दे तो लंबोदर का क्या अर्थ होता है, जिसका लंबा पेट हो ना उसे लंबोदर कहते हैं, लेकिन लंबोदर का मतलब गणेश होता है। तो देखिए, एक शब्द हुआ लंबोदर, लेकिन इसका अर्थ अलग निकला कि नहीं, दशानंद, दशानंद माने दस हो, आनंद, आनंद माने सर, तो रावण का है। तो देखिए, हम कह रहे हैं दशानंद, एक अर्थ निकल रहा है रावण, तो कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ दूसरा निकले। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर माने जिसके शिखर पर चंद्र हो, तो भगवान शंकर को कहते हैं। तो चंद्रशेखर का अर्थ क्या हो जा रहा है, भगवान शंकर हो जा रहा है। तो कोई अन्य अर्थ निकले उसे योगऋण शब्द कहते हैं। और समास जब पढ़िएगा ना तो बहुव्रीही समास इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बहुव्रीही समास भी कहते हैं। जब आप समास देखेंगे तो समझ में आएगा। ये दोनों आप समझ गए व्युत्पत्ति का। अब बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के पांच भागों में बांटा गया। कितने भागों में, पांच, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत डाउट होता है, और पता है 400-500 लड़का खूब मेहनत करता है, याद करता है, और जब एग्जाम में आता है तत्सम तद्भव में टिक मारने को, इसमें से कौन सा तत्सम है, तो उस 500 में से एक भी नहीं रहता है। पता है कि आप याद किए हैं, आप ट्रिक को समझिएगा, कितना याद कीजिएगा, 500,000 याद कोई करने वाला चीज होता है, दिमाग लोड नहीं लेगा। यहां समझिएगा, तत्सम, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाए उसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम होते हैं। और संस्कृत का कोई कोई ऐसा शब्द जो हिंदी में भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कभी कभी अग्नि जल रही है, तो अग्नि संस्कृत का है, ठीक है, आग जल रहा है, तो संस्कृत जब बिगड़ा ना तो क्या बन गया, हिंदी बन गया, और हिंदी जब बिगड़ा ना तो हम लोग भोजपुरी बना दिए। जैसे संस्कृत में अग्नि, हिंदी में आग, और भोजपुरी में आगी, हो जाएगा कि नहीं। तो ये चीजें होता है। यहां देखिए कौन कौन सा शब्द तत्सम है, तो जो शब्द आधा लिखा जाएगा, क्योंकि देखिएगा तत्सम में आधा से यहां पे लिखा गया ना तत्सम, तो जो शब्द आधा रहता है वो तत्सम है। पहचानने का तरीका, जो शब्द आधा, पहला तो ये हो गया। उसके बाद जिस शब्द में छत्र ज्ञा, ठीक है, वो भी क्या होता है, तत्सम ही होता है। जैसे क्षत्रिय, ठीक है, त्रिशूल, ये सब हो जाएगा ज्ञानी, ठीक है। जिस शब्द में व हो, तालाबे स हो, याद हुआ, जो शब्द आधा हो, छत्र ज्ञ हो, व और तालाबे स हो। उसके बाद से जिस पर ये चंद्र बिंदु नहीं हो, जिस पर डायरेक्ट अनुस्वार ये वाला हो, न वाला, वो चीजें सर और कोई भी शब्द के नीचे, ऐसा होता है ना, कृति, ठीक है, त्रिप, तो ये वाला जो वर्ड ये वाला आएगा, ठीक है, वो संस्कृत होता है। या फिर जो जिस शब्द में ये दोनों लगे, जैसे अतः, अतः होता है, तो अतः जिसमें लग जाए वो भी क्या हो जाएगा, संस्कृत। तो इतना याद रखिएगा कि कोई आधा हो ये याद हो गया, छत्र ज्ञ हो ये याद हो गया, ये तो संस्कृत में होता ही है, क्री टाइप का, इस टाइप का, रॉ टाइप का हो, श्री टाइप का हो, ठीक है, उस पर डॉट हो ऐसे, तो ये सभी चीजें क्या हैं, तत्सम हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो क्षीर, तो इसमें छ है कि नहीं, परीक्षा, छ है ना, क्षेत्र, ये देखिए जिसमें व हो, व भी हो, ठीक है, लेकिन वही किसी में ब हो जाएगा ना, तो ब वाला कहाँ आ जाएगा, तद्भव में आ जाएगा, यानी संस्कृत बिगड़ा तो हिंदी बन गया तद्भव, ठीक है। यहाँ देखिए तालाबे स रहेगा तो जाएगा ये तत्सम में, ठीक है, लेकिन वही कौन सा स आ जाए, आपका ये वाला स आ जाए, दंती स, ठीक है, तो आ जाएगा तद्भव में। यहाँ देखिए
विवाह हो जाएगा जिसमें व आ जाएगा, स्वागत आधा स भी है और व भी है, ठीक है। रात्रि में त्र भी है, युग जिसमें युग आ जाए, और युग का हिंदी होता है जुग, ठीक है। नहीं कहते जुग जुग जियत ललनवा, वो सुने हो ना वही वाला, लेकिन युग युग नहीं होता है, तो युग संस्कृत का है। ये तत्सम है, और तद्भव इसका जैसे जिस पर चंद्र बिंदु हो, व हो, स हो। अब यहाँ बात करते हैं, देखिएगा देशज का, देशज समझते हैं, जो देश में भाषा बोले जाए उसे देशज, और जो विदेशों में बोले जाए उसे विदेशज। जैसे कलेक्टर साहेब, तो कलेक्टर अपने देश का भाषा नहीं है, ये अंग्रेजों की भाषा है, ठीक है, ये अंग्रेजी शब्द है। वैसे ही देश की भाषा में बहुत सारे अपने यहाँ की भाषा हो जाएगी, लेकिन विदेश की भाषा में ये नहीं पूछता है। यही दो पूछता है जो आपको हम ट्रिक बता चुके हैं। विदेश में जैसे नहीं होता है कि मैं अपील कर रहा हूँ कलेक्टर, बड़ा ज़्यादा अकल हो गया है, अकल बड़ी है, वैसे तो अकल अपने यहाँ का शब्द नहीं है, ठीक है। इकरार हुआ मुझे तो प्यार हुआ, तो इकरार भी अपने यहाँ का वर्ड नहीं है, मोहब्बत भी अपने यहाँ का वर्ड नहीं है। यहाँ देखिए वर्ण संकर किसे कहते हैं, वर्ण संकर का डाउट हो तो बता देना है। दो भाषा के मिलने से वर्ण संकर, देखिए आपका पढ़े शब्द विचार, तो ऐसा शब्द जिसमें लगे ना कि दो गो भाषा मिला है। जैसे सुनिए यहां पे, देखिए तो यहां लिखे हम गलत फहमी, तो यहां गलत फहमी देखिए तो गलत अलग लग रहा है और फहमी लग रहा है कि ये उर्दू वाला वर्ड है या फारसी वर्ड होगा। तो दो भाषाओं के मिलने से जो शब्द बनता है, तो इस शब्द पर हम जब विचार किए ना शब्द विचार, तो ये हमको लगा कि दो गो भाषा से मिला है, इसी को वर्ण संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण संकर, यानी वर्ण वाला जो शंकर जी हैं वो क्या कहते हैं, दो भाषाओं के मेल से होता है। जैसे नुकसान दे, धोखेबाज, तो धोखा अलग रहा है, बाज अलग रह रहा है ना, तो ये चीजें क्या होता है, दो भाषाओं के मेल को क्या कहते हैं, वर्ण संकर कहते हैं। अब बात करते हैं रूपांतर के आधार पर, रूप के आधार पर। रूप की रानी, एक थे भिखारी एक अभिखारी, यानी भिखारी और अभिखारी। इसमें तो डायरेक्ट समझ जाइए, ऐसा शब्द, छोटा सा शब्द जिसको हम लोग उसका रूपे बदल दे, रूप के आधार पर रूप जिसका बदल जाए। देखिए जैसे कि मैं बोलूं कि समझिएगा, मैं घर जा रहा हूं, मुझे घर जाना चाहिए, तो मैं का मुझे में बदल जाना, जो बदल जाए रूप, जैसे अच्छा, और अच्छा बदल जाएगा अच्छे, ठीक है। नहीं होता है कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल जाना, ठीक है, एक वचन से बहुवचन में बदल जाना, तो हमेशा जो इसका रूप बदल जाए, ऐसा सब जिसका रूप बदल जाए, बताओ अच्छा से अच्छे हो जा रहा है कि नहीं, अच्छी भी हो जा रहा है, अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो ये रूप बदल जाता है। लेकिन अभिकारी शब्द का रूप नहीं बदलता, जैसे बताइए किंतु का किंती होता है, रूप तो कभी नहीं बदल सकता है। शाम, आज शाम हो गया है, तो आज शामी हो गई है, आज शामे हो गए हैं, शाम शामे में नहीं बदलता है, शामी में नहीं बदलता है, ठीक है। तो जिसका रूप नहीं बदले, लिंग पुरुष वगैरह के आधार पर इसका रूप नहीं बदले, उसे अभिकारी, और जिसका रूप बदल जाए उसे क्या कहते हैं, जैसे कुत्ता, तो कुत्ता से हो जाएगा कुत्ते, कुत्तों, ये हो सकता है ना, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका, जैसे काम है, तो कुत्ता भी एक शब्द है छोटा सा, और काम भी एक शब्द है। शब्द की बात करें तो कहीं सुने हैं कि हम काम ही कर लिए, हम काम कर लिए होता है, हम काम कर लेंगे होता है, हम कामे में हैं, तो काम होता है वर्ड, काम ही कामे कामा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यही कुत्ता है तो कुत्ता, कुत्ते भी हो सकता है, कुत्ते आ रहे हैं, ठीक है, कुत्ती भी हो जाता है, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं। तो जिसका रूप बदल जाए, एक शब्द से अनेक शब्दों में रूप बदल जाए, उसे विकारी, और जिसका नहीं बदले उसे क्या कहते हैं, अविकारी। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा शब्द विचार, देखिए अर्थ के आधार पर दो प्रकार के, व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार, उत्पत्ति दो आ तीन कितना, पांच प्रकार, और रूपांतर के आधार पर रूप ही याद रखिएगा दो प्रकार का, ठीक। तो अर्थ और ये रूप, यहां देखिए अव उ और रू, ये एक तरीके से ट्रिक आप याद कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस याद देखिए, दो और दो यहाँ पे है, तीन और पांच यहाँ पे है, अर्थ के आधार पर। तो ये एग्जाम में पूछता है कि रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि विकारी किस आधार पर शब्द के भेद होते हैं, तो विकारी रूप के आधार पर होते हैं, क्योंकि इसका रूप बदलेगा तो विकारी, और रूप नहीं बदलेगा शब्द का तो अविकारी। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा डेटा आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, बिना देर के हम लोग अगले व्याकरण के नए टॉपिक को देखते हैं।
सबसे ज्यादा एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन प्रत्यय और उपसर्ग से पूछा जाता है। उपसर्ग इतना ज्यादा होता है कि याद करने में बड़ी परेशानी होती है। मान लीजिए कि संस्कृत में उपयोग होने वाले, संस्कृत सब्जेक्ट की बात नहीं करें, ये हिंदी में ही लगेगा, हिंदी ही शब्द होता है, लेकिन उसके आगे जो शब्द लगता है उपसर्ग जो होता है, ठीक है, ये 22 होता है, इधर ये 11 होता है, ये भी आपको याद करना है। और 11 और 22 यानी 11 दुना 22 टोटल मिला के 33 उपसर्ग आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम में उपसर्ग से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बताइए कितना मुश्किल काम है। देखिए बाबू, रियलिटी बात बताया तो उपसर्ग हमको भी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन आज आपके साथ हम भी उपसर्ग याद कर लेंगे। देखिएगा, आपको चुटकियों में याद होगा और हमको भी याद हो जाएगा, हम भी थोड़ा खुश हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। यहां समझिएगा, उपसर्ग संस्कृत में उपयुक्त होने वाले जो संस्कृत के शब्द होते हैं, कभी कभी हिंदी में भी लग जाते हैं, ठीक है, उस 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी वाले 11 उपसर्ग हैं। इसका ट्रिक आप याद रखिए, उससे पहले उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों में क्या अंतर है। तो उपसर्ग जो किसी शब्द के, एक छोटा सा शब्द है, उसके पहले लग करके उसके अर्थ को बदल दे। जैसे यहां लिख दे रहे हैं हम कार, क्या लिख दिए हम कार, कार एक शब्द है ना, कार मतलब गाड़ी जो होता है कार, चलिए, और इसके बाद से अगर हम इसमें आगे शब्द लगा दिए प्र, तो प्रकार हो गया, तो प्रकार अब अर्थ बदल गया कि नहीं, तो जो आगे शब्द लग करके अर्थ को बदल दे तो ये लगने वाला शब्द ही उपसर्ग कहलाता है। यानी उपसर्ग किसे कहते हैं, जो आगे शब्द लगता है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखिएगा तो ये वाला शब्द आपको मिलेगा, इसी में से लगता है, तो प्र यहां पे लगा है, देखिए प्र है कि नहीं। अब देखिए अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा अधि, कार में जोड़ दे अधि तो हो जाएगा अधिकार, तो बाद में कौन सा शब्द लगा है, अधि लगा है, कौन लगा है अधि, तो अधि क्या हो जाएगा उपसर्ग। और प्रत्यय क्या है, जो किसी शब्द के पीछे लग के अर्थ बदलता है। जैसे हम कहे कि हम कुछ भूल गए, भूल गए और इसमें भूल में जोड़ दिए अक्कड़, क्या जोड़ दिए अक्कड़, तो बन गया क्या भूलक्कड़, क्या बन गया भूलक्कड़। तो आप बताइए, एक शब्द ये था, इसके पीछे अर्थ लग के बदल जाए तो भूलक्कड़ हो जाता है, और यही पीछे जो अर्थ बदलता है इसे कहते हैं हम लोग क्या, प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं, उप, जो आगे लग के अर्थ को बदले। यानी देखो यहां पे ट्रिक समझिएगा, उप में प है ना, तो प मतलब होता है पहले, प मतलब क्या होता है पहले, पहले लग के अर्थ बदले उसे क्या कहते हैं उपसर्ग। तो ये वाला मैं याद नहीं हो गया, जब भाई पहले लग गया तो ये वाला बाद में लगता है, तो प से पहले, दोनों में प ढूंढ लीजिएगा। पूरा का पूरा याद करना हमको भी याद नहीं है, तो आज हम आपको याद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले, याद कराने से पहले एक चीज आप ज्यादा अति मत कीजिएगा, हम आपको नहीं बोल रहे हैं बाबू, अति वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है अति, ज्यादा अति मत करो, से अति याद रखोगे ये पूरा याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। समझिएगा यहाँ पे, यहाँ देखो अति पहला याद रखो अति, तथा दादा में का त है ना, और तथा दादा में चार नंबर पर आता है ध, कितने नंबर पे, चार नंबर पर, तो अति अधि, दुगो याद हुआ, ज्यादा अति मत करो और चार नंबर अधि, ठीक। अब बताइए तथा दादा जब खत्म होता है तो थ, तो का शुरू होता है पफ शुरू होता है, तो अति अधि, तो उसके बाद से अब बोलिएगा अपी प वाला, त के बाद क्या प, अब देखिए ना त ऐसे होता है तो इस तरह घूमेगा तो त, आई पलट दोगे तो हो जाएगा प, अति अधि अपी, और फिर इसका चार नंबर अभी, ये दोनों चार नंबर वाला है ना ध, त थ द ध, ध चार नंबर पर ही आता है, तो त है तो एक चार नंबर, प है तो इसका चार नंबर, अति अधि अपी अभी, ठीक है। अभी अभी पता है क्या करना है, अभी अनु को बुलाना है, अनु आ, अनु आ, अति अधि हो गया, फिर अपि अभी, अनु आ, तो ये हो जाएगा आ, जैसे कार में आ लगाइएगा तो आकार नहीं हो जाएगा, तो ये छह आपको याद हुआ अभी, अभी अभी भी एक उपसर्ग है, ठीक है, अति अधि अपि अभी अनु आ, इतना याद हुआ। अब फिर से पहला वाला याद रखो, अति लिखा है यहाँ पे, अति लिखा है, कुछ नहीं करना है, पहले तो इस लाइन को हटाओ, इस लाइन को भी हटाओ, तो क्या बन गया उ और त बन गया, उत, उत बना कि नहीं, पहले से ही ये भी बन गया, इसीलिए तो बोले अति याद रखो, आ त ऐसे है तो इसको इधर से नहीं करो, इसको एक बार पलट दो ऊपर की तरफ, तो अब उप हो जाएगा, तो ये हो गया उत और ये हो गया उप, ठीक है, तो यहाँ देखो तो उत उप, ठीक। अब ये जब दोनों हो गया तो इससे अब बनाते हैं, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, तो ऊ अप था, ऐसे लाइन खींचेगा तो बन गया अप, तो पहले हम इसको बनाएं फिर इसको बनाएंगे, तो सुनिए ध्यान से, उत, उत के बाद का बना उप, अब इससे बना रहे हैं, इसको चेंज किए तो बन गया ऊ अप था, तो इसे अप, ठीक।
अब इसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे तो बन गया अ, अब प को चेंज करेंगे तो वह औ, क्या बन गया औ। तो यहाँ देखिए तो उत, फिर पलट दो तो उप, फिर इसमें लाइन खींच देंगे ऐसे तो अप, अब प को बदल दिए तो क्या हो गया औ। ठीक है, तो ये चारों आप याद रखिए, उत उप अप औ, ये चार को याद हो गया कि नहीं। अब यहाँ देखो, उसके बाद से एक और आपको नाम याद रखना है, बता रहे हैं क्या। पहले तो आप इतना बोलिए, कमेंट कीजिए, आपको फटाफट याद हो जाएगा। बड़बड़ाइए, फ्री में बड़बड़ाइए, कोई बात नहीं, लोग पागल कहेंगे ना, जब रिजल्ट आएगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा। ठीक है, कहने वाले पागल बन जाएंगे। कैसे, अति अधि अपि अभि अनु आ, फिर अति में से लाइनवा को हटाना था तो क्या बन गया उत, इसको पलट दिए तो उप अप औ, इतना याद हुआ ना। अब यहां देखो, जहां भी र देखिएगा इस र को बना दीजिएगा स। यहां देखो, यहां देखिए, जहां भी अब क्या देखिएगा र देखिएगा, र को क्या बना दीजिएगा र में खाली एक लाइन ऐसे खींच देगा तो स हो जाएगा कि नहीं, जाहिर सी बात है स हो जाएगा। तो यहां देखिए, दूर, कोई कुत्ता जाता है तो क्या करते हो दूर, तो दूर कहते हो ना, तो दूर, और र में ऐसे खींच दीजिएगा तो क्या बन गया स, तो दूर दुस। उसके बाद से नी, नी में फिर लगाइएगा र, आ जहाँ र देखिएगा वहाँ लिख दीजिएगा, फिर ऐसे बना के इसी में ऐसे जोड़ दीजिएगा स, नी निर निस, क्या हुआ नी निर निस, आपको इतना याद हुआ होगा। उसके बाद जब ये ग्रुप याद हो गया तो यहाँ देखो, परा परी, परा परी, परा परी याद रहेगा ना, परा परी। उसके बाद से प्र, अब प्र में खाली जोड़ दिया तो हो गया ती, प्रति, परा परी प्र प्रति। ठीक है, आ एक वही याद रखिएगा विषुसम, कमेंट कर दीजिए विषुसम याद हो जाएगा, विषुसम। ये टोटल के टोटल 22 गो उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है और अर्थ को बदल सकता है। अब हम आपको बोल रहे हैं 22 देखिए बोल रहे हैं, आप देखते रहिए। यहाँ देखिए, अति अधि अपि अभि अनु आ, ठीक, उत उप, उसके बाद से अप अ, दू दुर, सॉरी दुर दुस, नी निर निस, ठीक है, और उसके बाद से परा परी, प्र प्रति और विषु सम, ये पूरा का पूरा लाइन से आपको याद हो गया होगा। ये तो आपको याद हो गया, ये संस्कृत के, अब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, अब ये मत सोचिएगा संस्कृत के सब्जेक्ट वाले में पूछेगा सर, अरे हिंदी के विषय एग्जाम में ही पूछा गया था कि संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी के 11 उपसर्ग हैं, कितने उपसर्ग हैं 11 उपसर्ग हैं। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ गौर से देखिए, अति, अति का सिर्फ अ लीजिएगा तो अ, ठीक, अधि का सिर्फ अ और ध लीजिएगा, ठीक है, अध, अ और अध, अब इससे सब याद हो जाएगा, अब पूरा याद हो जाएगा। यहाँ ये तो और मजेदार ट्रिक है, यहाँ देखिए अ अध, तथा में ध आता है, ध के बाद क्या आता है न आता है, तो अध अन, अन आया, आ अन में अगर ई लाइनवा मिटा दीजिएगा, ई वाला न है तो क्या बन जाएगा उन। तो यहाँ देखिए अ अध अन उन, आई एगो खाली ओ याद रखिएगा ओ, ठीक है, ये तो बहुत इजी वे में, ये पूरा एक ही लाइन में याद होगा। सुनो देखो, जब आप बहुत कुछ बिनने जाते हैं, गोटी वोटी खेले होंगे बचपन में, तो इतना गोटी घर पे ला देते हैं तो घर वाला कहता है दुनिया भर के बिन के लाया है, क्या बोलते हैं दुनिया भर के बिन के लाया है, तो वही याद रखो दुनी भर बिन, दुनी भर बिन, ठीक है, दुनी भर बिन। आ ककुर ससुर, इसको याद करना हो ना तो कुकुर ससुर याद रहेगा, कुकुर ससुर, दुनिया भर के बिन कुकुर ससुर, तो ककू ससुर याद हो गया कि नहीं, ककू ससुर, ये भी याद हो गया। अ अध, इसी से बना है अ और अध, अध के बाद अन, अन के बाद क्या हो जाएगा उन, ओ दुनी भर बिन ककू ससुर, ये आपको याद हो गया होगा। अब ये क्या है उपसर्ग, देखिए क्या सजीव में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए तोड़ने के बाद इसका अर्थ है, जीव का एक अर्थ निकलता है ना, तो इसमें स लगा है तो स एक उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद से कपूत में क उपसर्ग है, कुपात्र में पात्र तो शब्द है, कु लगा है तो कु है कि नहीं, तो सोचिएगा अच्छा कु किस में आता है, ओ हाँ ककु ससुर में, कुकुर ससुर में आया था, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। दुबला, आप बहुत दुबले पतले हो गए हैं तो दुबला, बला है इसमें दू लगा है, दुनी भरबीन में आ जा रहा है कि नहीं, तो ये भी आपको कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा बाबू, आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा आपको डेटा समझ में आया होगा, लेकिन उससे पहले अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है, तोड़िए इसको, अति पहले ही है ना, ज्यादा अति मत करो, तो यही हो जाएगा, अ नहीं होगा, अ उपसर्ग है, लेकिन आप बताइए कि कहिएगा सर इसमें अ उपसर्ग है, तो यहाँ पे रोक दीजिए, आपको
तिरिक्त कोई शब्द होता है? नहीं होता है। अब ये जोड़िए, रिक्त माने होता है खाली, तो बाबू तोड़ने के बाद इसका अर्थ भी निकलना चाहिए। यहां देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्र भी है, यहां देखो प्र भी है और प्रति भी है, लेकिन दोनों में होगा कौन, दोनों में होगा कौन, अगर ये डाउट है तो इसको प्र अगर अपमान रहे तो प्र को ऐसे ढक लीजिए, तिदिन कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन प्रति को ढकेंगे तो दिन बच रहा है, तो दिन का अर्थ होता है, इसीलिए ये लगने से इसका अर्थ बदला है, दिन में प्रति लगा दो तो प्रतिदिन, यानी प्रति इसमें क्या है, उपसर्ग है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब जानते हैं कि शब्द के अंत में लग के अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। इस टॉपिक का नाम प्रत्यय है, और आप प्रत्यय में कभी भी आपको जिंदगी में डाउट नहीं होगा। देखिए प्रत्यय में जो एग्जाम में पूछेगा सिर्फ वही बताएंगे, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, पूरा डीपली घुस करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में वो आएगा नहीं। सिंपल पूछता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, बस इतना खाली पूछेगा, तो आप बता सकते हैं कि सर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी पूछ दिया कि भाई कौन कौन, तो ये भी आप बता सकते हैं। इसके सिवा कौन कौन के बारे में पूरा नहीं पढ़ना है। वैसे आपको बता चुके हैं उपसर्ग और प्रत्यय में, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लग के अर्थ को बदले, प्रत्यय यह लास्ट में है ना, यह या है, तो जो किसी शब्द के ठीक है पीछे लगता है, लास्ट में लग के उसके अर्थ को बदले। अब मामला यह है कि जो एक आगे शब्द है ये एक मूल शब्द होना चाहिए जिसका अर्थ निकले। प्रत्यय का अर्थ होता है प्रति प्लस अय, प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्यय में साथ में लगेगा लेकिन बाद में लगेगा, शब्द के बाद में लगेगा, तो प्रति का मतलब साथ में पर बाद में, और अय मतलब होता है चलने वाला, यानी कि साथ में चले लेकिन पीछे, यानी बाद में लग के चले, तो मेरे पीछे चलो आगे हम चलेंगे, प्रत्यय कहता है, क्योंकि देखो पीछे एक जैसा यह या है ना, तो इसके पीछे लगता है, ठीक है, पीछे सब लगता है। अब ध्यान से देखो, प्रत्यय तो बहुत सारा ये होता है और उसको याद करना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बताइए आप 200-400 प्रत्यय याद करना चाहेंगे? नहीं ना। तो मेन जो एग्जाम में पूछता है सिर्फ वही प्रत्यय आप याद कीजिए। यहाँ देखिए, प्रत्यय दो प्रकार का होता है, यह दो बार है तो ये दो प्रकार का होता है, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय, याद होगा कृत। अब कहिएगा सर कृत माने क्या होता है, कृत माने क्रिया, जैसे हम लिख रहे हैं ना तो हम कृत कर रहे हैं, यानी क्रिया कर रहे हैं, एगो काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं। तो सुनो, कृत प्रत्यय क्या है, किसी काम के पीछे, कोई भी काम कर रहे, खा रहे हो ना तो खाना एक काम है, इसके पीछे प्रत्यय लगेगा, तो उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। प्रत्यय पहचानिएगा, पीछे जो लगता है वो प्रत्यय है, लेकिन अगर पूछ दिया कि प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, प्रत्यय पहचान ली कि भाई पीछे लगा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिख दें हम लेखक, तो कहेगा सर लेखक में ना अक प्रत्यय लगा है, फिर पूछे ठीक है आप अक प्रत्यय बता दिए, ये प्रत्यय है, ये भी बात सही है कि अक, लेकिन लेखक कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताइए लेखक, लिखना, लिखना एक काम है, आ काम को क्रिया कहते हैं, तो क्रिया में अगर जुड़ेगा या धातु में जुड़ेगा तो उसे क्रिया में जुड़ेगा तो कृत प्रत्यय, ठीक। और सुनिए, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम में जुड़े, दोनों में अंतर समझ में आया, क्रिया में जुटे तो कृत प्रत्यय, संज्ञा और सर्वनाम आगे रहेगा और इसके पीछे कोई चीज जुटेगा तो उससे जो शब्द बनेगा वही क्या, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। सुनिए फिर से, कृत प्रत्यय क्या होता है, कोई क्रिया है, ये लिखना ये भी एक काम है, पाठ पढ़ना भी ये भी एक काम है, पूजा करना भी एक काम है, कोई काम में अगर कोई प्रत्यय जुड़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय, और इससे बनने वाला जो शब्द है ना उसे कहते हैं कृदंत, कृत से जो शब्द बनेगा उसे कृदंत, और तद्धित से बनेगा इसे कहते हैं तद्धितांत, क्या कहते हैं, तद्धितांत। अच्छाई, अच्छा एक संज्ञा है, कौन, भाववाचक संज्ञा, आपको याद होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा अच्छा है, उसमें आई जुटा है, तो संज्ञा में प्रत्यय जुटा है, तो संज्ञा और सर्वनाम के जो अंत में जुटता है उसे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय, तो ये वाला जो अच्छाई में आई जुटा है ना ये कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय, इससे जो बन के शब्द तैयार हुआ है अच्छाई इसे तद्धितांत कहते हैं, ये भी बन के तैयार होगा इसे कृदंत, कृत से बनेगा तो कृदंत, और यहाँ पे क्या बनेगा, तद्धित से बनेगा तो तद्धितांत। यहाँ अब इसको याद रखना है इंपॉर्टेंट, लिख प्लस अक लेखक, अब पूछेगा पाठक में कौन सा उपसर्ग है, तो पाठक, अक आ रहा है ना तो जो पीछे लगे अक, तो पाठ अलग कर दो अक अलग कर दो, तो यहाँ अक उपसर्ग लगा है, पूजनीय, पूजनीय माने पूजा करने के योग्य, तो पूजा या पूज प्लस अनीय, अनीय प्रत्यय लगा है, जो लास्ट में ओ है ना अनीय, तो अनीय यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यय। यहाँ देखिए तो
मानव प्लस ता मानवता, मानवता में कौन सा है ता, अच्छाई में आई, दुखाई जब चोट लगता है दुखाई, तो दुखाई आई पड़ते जुटा है, दुख में आई लगा है, ठीक है। यहाँ देखिए अपनापन, ठीक है, तो इसमें पन पड़ते है, अपना तो एक शब्द होता ही है, इसमें पन जुटा है, इसे अपनापन कहते हैं। अकेलापन में भी पन पड़ते हैं, लड़कपन में भी पन पड़ते हैं, तो ये आपको पढ़ते हैं याद हो गया होगा। अब यहाँ कुछ दिए हैं मस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ट्रिक समझिएगा। देखिए और क है ना, अमे का पहला आ कखा छे का पहला क, तो इससे तीन को याद रखा, अक अक्कड़ आकू, सब में अक अक है कि नहीं। यहाँ देखो लेखक अक, लिख लिखना एक काम है, अब पूछ दिया जाए लेखक, समझिएगा ध्यान से, लेखक कृत प्रत्यय होगा कि तद्धित प्रत्यय होगा, तो आप कहेगा कि कृत प्रत्यय होगा। क्यों बाबू कृत प्रत्यय होगा, क्योंकि लिखना एक काम है, लिख काम है, और कोई भी काम या क्रिया में अगर प्रत्यय क्रिया से प्रत्यय बनता है तो उसे क्या कहते हैं कृत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम के पीछे लगा रहता है ना तो उसे क्या कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ हो जाए लेखक पाठक में अक प्रत्यय, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए नायक, नायक में कौन सा पीछे प्रत्यय लगा है, तो मत ये सर नायक में क लगा है, नायक अक लगा है, अक प्रत्यय। अक्कड़ तो भूलक्कड़ पूछेगा, भूलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय, ये मस्त इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको याद कर लीजिए। अक्कड़ प्रत्यय, घुमक्कड़, पियक्कड़, ये सब होता है ना, ये चीज हो जाता है, ये प्रत्यय सब है, पीछे वाला पीछे लगा क्या हुआ प्रत्यय। लड़ाकू में आकू प्रत्यय है, देखो तो लड़ाकू में कौन सा है आकू, तो आकू याद रखिएगा, ठीक है, पढ़ाकू चढ़ाकू, ठीक है। यहाँ देखिए मान प्लस अनिया, माननीय माननीय महोदय ऐसा होता है ना, तो माननीय में अनिया एक प्रत्यय है, पूजनीय में अनिया है, ठीक। खेल प्लस औना खिलौना, ये पूछा है एग्जाम में, मैट्रिक वाला बोर्ड में ये कई बार पूछा है, और 10+2 में भी पूछा है, जानते हो क्या पूछा है, माननीय में नहीं, माननीय पूजनीय पूछा था, पूजनीय में कौन सा उपसर्ग है, तो पूजा, अब बीच से तोड़िएगा, तोड़ने के बाद इसका अर्थ निकलना चाहिए तब ये वाला प्रत्यय होगा, समझ में, तो पूजा अनिया, पूज प्लस अनिया हो जा रहा है ना, ऐसे तोड़िए तो इसका अर्थ निकले, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा पूजनी प्लस या पूजनी नहीं होता है, पूज प्लस अनिया पूजनीय हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही खेल प्लस औना खिलौना, बिछौना, औना प्रत्यय लगा है, बेलन बेल, बेल होता है ना बेल, और न, तो ये हो जाएगा न, ठीक है, तो न प्रत्यय जुटा है। चंदन, चंदन में भी न प्रत्यय, चांद प्लस न या चंद प्लस न। यहाँ देखो ना प्रत्यय, सुंघना, सुंघ प्लस ना पीछे ना, पढ़ना आना बोलना सब में ना प्रत्यय है। यहाँ देखिए छलनी, छलनी देखे हो ना, पिटाई होते एक्सपीरियंस होगा है, छलनी में नी पड़ता है, ठीक है, छल प्लस नी। रेती लास्ट में क्या है, रेत प्लस ई, रेती, फांसी, फांस फंसा दो और ई, तो फांस टूट जा रहा है ना। धुलाई, धूल, धूल प्लस आई, तो यहाँ आई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रत्यय हो जाता है, समझिएगा इसको ध्यान से, लेकिन धूला होता है, धोलना होता है, ठीक है, तो धोलना और प्लस आई नहीं होगा, ई होगा धुलाई, ठीक है। चालू में ऊ प्रत्यय है, ये याद कैसे रखिएगा, क क है, उसके पास न है, अनिया औना, नौ ना नी याद रहेगा, ये सब लास्ट में जुड़ता है, छोटी ई सॉरी बड़ा ई बड़ा ऊ, उसके बाद से अ ऑन आई इक और आवा, तो सबसे ज्यादा इक पूछा है, समाज प्लस इक सामाजिक, ठीक है, तो पूछेगा सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है आवा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बुलावा, चढ़ावा, दिखावा, पछतावा, हो जाएगा कि नहीं, आई लड़ाई, पढ़ाई, सिलाई, आई प्रत्यय है ना, पीछे लगा सुनाई, वो देखा अन पालन नयन चरण पठन, ये सब में अन है, आ सूखा भटका, यहाँ पे हो जाएगा ना भटका, मेला झूला, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, बेलना वलना सब लिखा है यहाँ पे, बेलना आना पढ़ना ये धुलाई छटनी, ये सब चीजें आपको पढ़ते हैं, तो यही आपका बीच वाला पढ़ते हैं जिसको आप याद रखेंगे, जिसमें आवा इंपॉर्टेंट है, आकू, ये तीनों लाइन से इंपॉर्टेंट है, और इक सामाजिक। तो देखिए आप जब ये पढ़िएगा ना ये वाला, तो इसमें बेलना जैसे बोला बेलन, तो बेलन लग रहा है, बेलन न है, बेल को जब बीच से तोड़िएगा तो बे और को तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बे और लन हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, बेल हो सकता है क्योंकि एक बेल शब्द है, तो कौन जुट रहा है, न जुट रहा है, तो आप देखिएगा तो समझिएगा। हमको आपको सिर्फ ये बताना था कि अगर पूछ दे कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, पहचाने का तरीका, तो किसी काम का बात करें, ठीक है, काम या क्रिया में लगाओ, लिखना एक काम है, पढ़ना एक काम है, पूजा करना एक काम है, ठीक है, चढ़ना, तो हम बोले चढ़ाई कौन सा प्रत्यय है, तो कहेगा कृत प्रत्यय, क्योंकि चढ़ना एक काम है, चढ़ प्लस आई चढ़ाई, तो चढ़ना एक काम है ना, तो ये हो जाएगा। लेकिन संज्ञा सर्वनाम के जो पीछे लग जाएगा, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, ये संज्ञा है कि सर्वनाम है, तो ये नाम है अच्छाई, ठीक है, अच्छा, तो ये संज्ञा है, तो संज्ञा के पीछे लगा है आई, तो ये हो गया क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस आई अच्छाई, और अच्छाई एक तद्धित प्रत्यय है, तो आपको प्रत्यय समझ में आया होगा। उपसर्ग लगा रहता है, तो आपको कमेंट में बताना है कि
बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय जुटा है? ठीक है, ऑप्शन दो ठो दे रहे हैं, दोनों में से कमेंट में बताना है, पाप प्रत्यय जुटा है कि आपा प्रत्यय जुटा है, ये दोनों आपको बताना है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। बिना देर किए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ संज्ञा और सर्वनाम मात्र 5 मिनट में ये पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। संज्ञा मतलब नाम, नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नाम सोचा गया कि यार मान लो कि हम रख रहे हैं पटना नाम, तो ये भी एक नाम है। मैं अपना नाम अमित रख रहा हूँ तो ये भी एक नाम है। यार दोनों में अंतर है कि इंसान का नाम है और ये मान लो शहर का नाम है। अब किसी इंसान का नाम कहोगे वाह पटने क्या हाल है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मान लो कि घोड़ा, तो मान लो बकरी जा रही है तो उसको तो नहीं कहेंगे कि घोड़ा जा रहा है। यानी कि एक ऐसा नाम रखा गया, तो एक नाम से ही सब कुछ है, इसीलिए सभी नाम अलग अलग है, तो संज्ञा के भी प्रकार अलग अलग हैं। भाई सबको हम घोड़ा नहीं कह सकते, ये जो घोड़ा नाम है ना, ये एक घोड़े के जगह पर ही प्रयोग होता है। ठीक है, बकरी नाम है तो ये बकरी जाएगी तभी होगा। ठीक है, हम बोले 4 किलो, तो किलो नाम है ना, वजन का नाम है कि नहीं, तो ये भी नाम है, तो ये भी किसी का नाम नहीं कह सकते। सुनो ना, 4 किलो कहाँ जा रहे हो, ये दूसरे किसी का नाम है। इसका मतलब नाम तो सब है और सभी नाम संज्ञा है, सभी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, लेकिन ये सभी नाम अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है, इसीलिए अलग अलग संज्ञा के प्रकार है। तो दुनिया में 5 प्रकार का संज्ञा, 5 प्रकार का नामे होता है। ठीक है, वैसे जब आप ज्ञान लिखते हैं तो लगता है ना ऐसे 5 टाइप का लिख रहे हैं, बहुत लोग ऐसे 5 बनाते हैं ना, तो ज्ञान ऐसे 5 टाइप का लगता है, यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। संज्ञा की ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7 ऐसे करके देता है। तो संज्ञा में 5 हो जाएगा, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन हो जाएगा? व्यक्ति। व्यक्तिवाचक माने किसी व्यक्ति के नाम हो। ठीक है, जैसे कोई भी नाम हो जाए, जैसे मान लो कि मेरा नाम हो जाए, आपका नाम हो जाए, ये सब व्यक्तिवाचक है। पटना भी एक नाम है ना। ठीक है, तो नाम किसी का भी हो, किसी एक इंसान का, किसी एक चीज के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम। ठीक है, यहाँ पटना हो जाएगा, शहर का भी तो एक ही को ना नाम है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग जितना भी नाम होता है ये सब व्यक्तिवाचक हो जाता है। समूहवाचक, किसी ग्रुप का नाम हो, जैसे मेला, तो एक आदमी खड़ा रहेंगे तो कहेगा वह मेला लगा है, नहीं, ग्रुप जहाँ देखिएगा तो वहाँ एक नाम मुँह से निकलेगा, मेला की तरह का भीड़ लगा है, तो ये जो नाम निकला ना, और नाम को संज्ञा कहते हैं ना, तो ये जो मेला नाम है, जहाँ समूह की बात हो उसे समूहवाचक कहते हैं, मेला। ठीक है, वर्ग यानी क्लास भी होता है, तो एक आदमी को क्लास नहीं कह सकते। उसके बाद से सेना, सेना कब नाम रखते हैं, एक वो पुलिस वाला होगा या एक वो आर्मी वाला होगा तो उसे सेना नहीं कहेंगे। बहुत सारा ग्रुप में दिखता है, जो भी झुंड में चीजें दिखती हैं, ठीक है, उस समूह में दिखती हैं, उसे समूहवाचक कहते हैं। ये परिवार, अकेले रहोगे तो परिवार नहीं कहोगे, ग्रुप में होता है, तो जहां समूह दिखा उसे समूहवाचक। जातिवाचक, अब कहेगा सर जातिवाचक माने अलग अलग जात, अरे नहीं बाबू, जातिवाचक का मतलब होता है एक, मान लो कि हम लोग मानव जात के हैं, किस जात के हैं, मानव, तो मानव में दुनिया के सभी व्यक्ति आ जाएंगे, मानव आ जाएंगे। हम बोले घोड़ा, तो घोड़ा का सब जात आ जाएगा। अब घोड़ा में बड़ा घोड़ा, छोटा घोड़ा, गाय, तो गाय का पूरा जाति होता है ना। गाय भी देखिएगा कई प्रकार का होता है, कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन हम जब मुंह से निकाले एक नाम गाय, तो हो सकता है उसमें सभी गाय आ जाएंगी, जितना नस्ल होता है, तो ये हो जाता है जातिवाचक, यानी एक नाम में उसका सब जात आ जाए। जैसे हम लोग का लड़का का जाति है और एक लड़की का जाति होता है कि नहीं, पूरी लड़की जात ऐसा बोला जाता है ना, तो वो जाति हो जाता है, यानी कि एक में ही सब, तो ये हो जाएगा लड़का। ठीक है, लड़का, लकड़ा नहीं लड़का, लकड़ी हो सकता है, नहीं लड़की, ये भी एक जात है। यहाँ जात के मामला में हम देख लें तो देखिए यहाँ पे लड़का, यहाँ पे घोड़ा भी जात है, बकरी, गधा, तो सब ये तो जाते हैं। अब बात करते हैं गुणवाचक संज्ञा, ये भी तो संज्ञा है, तो नाम है, लेकिन ऐसा संज्ञा तुम मुंह से निकालो जिससे कि उसके क्वालिटी के बारे में पता चले, गुण के बारे में पता चले, जैसे बुढ़ापा। अब हमको तो नहीं कहोगे ना कि अब सर बुढ़ापा आ गया, अरे अभी नहीं आएगा, नहीं आने देंगे। ठीक है, तो ये जो नाम मुंह से निकला है तो नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन बुढ़ापा नाम निकला है तो ये मेरी दशा हो सकती है कि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। आप भी रजिस्टर्ड मोहर करा के नहीं आए हैं, अभी बूढ़े हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ देखिए गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या होता है, आप में कोई गुण हो। ठीक है, दिखता नहीं है ये, बस समझ जाइए कि एक तरह से फील हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो सकता है कि बुढ़ापा, हो सकता है कि आपके अंदर अगर अच्छाई है तो अच्छाई भी हो जाएगा। अच्छाई कब लगाते हो,
ये भी एक नाम है ना, तो नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। लेकिन कौन वाला संज्ञा? यानी ये दिखता नहीं है। अब अच्छा दिखता क्या है? अच्छा कौन कलर का होता है? ब्लू, लाल, ऐसा नहीं। तो ये बस गुण है, अंदर की क्वालिटी है। अब ये डिमेरिट भी, अच्छाई भी हो सकता है, बुराई भी हो सकता है, ये सब जो है ये गुणवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा बहुत आसान है, जो चीजें जोखा जाए, नापा या तोला जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, याद हुआ? जैसे यहाँ पे लिख भी दिए, सोना को जोखा जाता है, चांदी को जोखा जाता है, तेल चानी चांदी होता है, तेल को जोखा जाता है, आलू को जोखा जाता है। ठीक है, जितना जोखने नापने वाला सब है ना, किलो से, ग्राम से, मिलीलीटर से, जो भी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये आप समझ गए होंगे, आपसे पूछ देगा कि बुराई कौन सा संज्ञा है, तो बोलेगा संज्ञा, यानी बुराई तो नाम है, यानी आई दिखता नहीं है, यानी गुणवाचक है, क्वालिटी किसी के अंदर होगा कि बड़ी बुरे आदमी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संज्ञा। अब सुनो, हम बोले राम अच्छा लड़का है, तो नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये हो गया संज्ञा, ये क्या हो गया? संज्ञा। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये हो संज्ञा हो जाएगा, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका संज्ञा। अब इस संज्ञा को हटा दिए, नाम को हटा के रख दिए हम, वह अच्छा लड़का है, तो वह किसी का नाम नहीं है, वह तो किसी को भी कह सकते हो। तुम अगर दूर खड़े हो तो हमको भी कह सकते हो कि वह अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वह तो मेरा भी नाम हो गया। ठीक है, अपने पापा को कह सकते हो वह मेरे पापा है, तो वह तो आपके पापा का भी नाम हो गया। तो संज्ञा को हटा के, संज्ञा के जगह पे जो प्रयोग होता है ना, तो ये संज्ञा को, नाम को हटा के उसके जगह पे जो लग जाए, उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम माने ऐसा नाम यहां रखो, ठीक है, जो सभी का हो, किसी का भी रख दो। मेरा नाम सबका नाम, मेरा नाम लेकर के सबको नहीं पुकार सकते हो, लेकिन वह किसी को भी कह सकते हैं, वह सब नाम में लग सकता है। तो सभी के नाम को सर्वनाम कहते हैं, वह, यह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो यही है संज्ञा के, जैसे यहाँ लिखे हैं सर्वनाम, तो वैसे ये तो जान गए कि ये पांच की तरह, तो संज्ञा के पांच भेद, सर्वनाम के छह भेद। कैसे? ये सबको गिनिए, सभी को, एक, सौ, दो, ये वह हो जाएगा, ऊपर वाले से है तो तीन, एक है यहाँ पे नौ, चार, एक लाइन है तो पांच, एक म है तो छ, पूरा ये छ गो से लिखा गया। इसीलिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो लगता है उसे सर्वनाम, जैसे राम अच्छा लड़का है लिखे ना, तो राम को हटा के और वह डाल दिए, तो वह अच्छा लड़का है हो गया, तो वह एक क्या है? सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के जगह पे लगा है। इसके कितने भेद होते हैं? छह भेद। इसके कितने भेद? पांच भेद। यहाँ देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक, जैसे यहाँ पे देखिएगा, बड़ी इसमें तीन आदमी आएंगे। जब आपकी शादी होती है तो तीन आदमी रहते हैं, एक आप, एक आपकी होने वाली बीबी, और बीच में अगुआ होते हैं ना, तो ये तीनों आदमी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हारी खातिर उसे पीटा, इसमें तीन आदमी आए कि नहीं? हम भी आ गए, जिसके लिए पीट रहे हैं वो भी आ गया, जो पीटाया है वो भी आ गया, तो तीन आदमी हो गए। तो सुनो, जो काम करता है, मैंने तो पीट दिया, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। ये देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद, याद रखिएगा। पहले तो सर्वनाम के छह भेद, ये हो जाएगा आपका एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह भेद है ना। लेकिन पुरुषवाचक के तीन प्रकार, याद नहीं कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। पुरुषवाचक में मैंने तुम्हारी खातिर उसे पीटा, तो मैंने हो गया उत्तम, माने पहला आदमी ये हो गए। ठीक है, मैंने तुम्हारे खातिर, तो दो नंबर में आ गए बिचवनिया, उसको पीटा, तो उसको वो अन्य आदमी है ना जिसको पीटे हैं, तो हम हो गए उत्तम पुरुष, या प्रथम हम हैं, दूसरा जिसको सुना रहे हैं वो है, और तीसरा जिसके बारे में कह रहे हैं ये अन्य पुरुष हो गए। तीनों याद नहीं हो गया? कोई पूछेगा उत्तम पुरुष किससे कहते हैं, तो हम पीटे हैं तो उत्तम है, मध्यम जिसको सुना रहे हैं कि तुम्हारे खातिर पीटे हैं, किसे पीटे हैं? अन्य व्यक्ति को, तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हारे लिए उसकी घड़ी चुराई, अब देखो मैंने, तो हम तो उत्तम हो गए, तुम्हारे लिए बिचवनिया तुम ही थे, तुम्हारे वजह से ही ना चुराए हैं, किसको? उसकी, तो यहाँ उसकी जो है अन्य पुरुष है, तो ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा प्रथम पुरुष। ठीक, उसके बाद से यहां देखो, तुम्हारे खातिर हो जाएगा मध्यम पुरुष, और ये देखो उसे हो जाएगा अन्य पुरुष। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये उत्तम पुरुष अब समझ गए, मतलब पुरुषवाचक। अब समझिए निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का मतलब एकदम बात निश्चित हो, जैसे हम बोले, समझिएगा यहाँ पे, कि चार लोग आ रहे हैं, एकदम बात निश्चित है ना कि एकदम चार ही लोग आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम यही बोले कुछ लोग आ रहे हैं, बात निश्चित है, पता नहीं कब आ रहे हैं,
तो ये हो गया अनिश्चित। निश्चित का मतलब पक्का बात चले, और अनिश्चित का मतलब पता ही नहीं चले कि कितने लोग। जैसे हम बोले कि नदी में एक तैर रहा था, तो बात निश्चित है कि एक ही को तैर रहा था, लेकिन हम बोले नदी में कोई तैर रहा है, का तैर रहा है, यह तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक है निश्चित और एक है अनिश्चित। तो यहाँ देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह, जिसमें यहाँ वह लगा है ना, वह है। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, तो देखो एक और चीज़, निश्चयवाचक से दूरी और नज़दीकी का भी पता चलता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो नज़दीक है तो यह कह दिए, और थोड़ा दूर रहेगा तो क्या कहेंगे, वह मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है, वो मेरी पुस्तक है। तो नज़दीक और दूरी का भी बोध हो रहा है, यानी दूरी का भी पता चल रहा है, बोध हो रहा है, पुराना हो गया, ठीक है, पता चल रहा है, डायरेक्ट समझ लो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यह और वह दोनों, ये वे सब क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो रहा है, जिससे बात निश्चित हो। अनिश्चय सर्वनाम, यानी ऐसा सर्वनाम, संज्ञा के जो हटा दो वहाँ लगाता लगता है जो, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे हम बोले, ठीक है, नदी में कोई तैर रहा है, तो इसमें जो कोई है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, कोई हो जाएगा अनिश्चित, पता ही नहीं चल रहा है कौन तैर रहा है। कुछ खिला दो, क्या खिला दो, पता, जहर खिला दें, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या खिला दो। ठीक है, तो कुछ खिला दो से अनिश्चित है, तो ये भी कुछ इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सबसे मज़ेदार है ये संबंधवाचक, ये शायरी है, संबंध। देखिएगा, जब आप कोई शायरी बोलते हैं तो खूब बढ़िया बैठ जाता है, ठीक है, खूब अच्छा बैठ जाता है ना, पहला लाइन के जैसा ही दूसरा लाइन भी खूब अच्छा सेट कर जाता है। तो वही यहाँ पे है संबंधवाचक। जैसे जो और सो संबंध, कैसे, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, तो जो और सो आ रहा है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा संबंध, जो और सो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी क्या हो जाएगा, संबंध वाचक। ठीक है, तो इसी को कहते हैं संबंध वाचक। अब बात करते हैं निज वाचक। निज माने निजी, निजी नहीं बोलता, ये मेरी निजी संपत्ति है, मेरा अपना पर्सनल, तो जिससे निज का बोध हो, अपना का बोध। जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा तो तुम क्या करोगे, तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो स्वयं की बातें कर रहे हैं ना, ठीक है, वह अपने आप चला गया। देखो कभी कभी जो आप होता है ना, आप समझिएगा, कभी कभी वो आप होता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मैंने आपको उसके बारे में बताया, हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ देखिए, तो वहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि आप या स्वयं, ये आपका अर्थ ही होता है स्वयं। जैसे वह आप ही चला जाएगा, तो वह आप ही चला जाएगा, अच्छा लग रहा है, नहीं ना लग रहा है, वह अपने आप हो जाता ना, वह अपने आप ही चला जाएगा, तब लग रहा है कि वह स्वयं की खुद के बारे में बोल रहा है कि वह अपने आप चला जाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो मैं स्वयं के बारे में निजीवाचक, निजवाचक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम स्वयं के बारे में बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। लेकिन आपकी किताब के अकॉर्डिंग और निजवाचक के अकॉर्डिंग, आप एक निजवाचक सर्वनाम है, कभी कभी अपने आप की जगह खाली आपे लिखा जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक तो जानते हैं, जिससे प्रश्न पूछा जाए, जैसे कौन दौड़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा कौन दौड़ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो। लेकिन अगर इसको हटा के ही मैं एक नाम भर दे, राम दौड़ रहा है, तो राम को हट गया, तो संज्ञा को हटा के जो शब्द लगा, यानी संज्ञा के जगह जो शब्द लगता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो राम को हटा दीजिए, लग गया है कौन, तो कौन दौड़ रहा है, उसमें भी कौन लगा है, तो प्रश्न वाला कौन लगा है, कि पूछा जा रहा है, तो कौन दौड़ रहा है प्रश्नवाचक। क्या खा रहे हो, तो ये भी तो किसी से क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना, ठीक है, तो क्या खा रहे हो में क्या जो है वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, आपसे पूछ देगा क्या खा रहे हो में कौन सा सर्वनाम लगा है, और सर्वनाम के नाम दे दे, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक संबंध प्रश्न, तो कहेगा क्या लगा है ना सर, तो क्या लगा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आप स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा, और इसका नोट्स भी हम आपको टेलीग्राम ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी हम आपको दे देंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फिर बिना देर के हम लोग पता है टॉपिक क्या पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम तो निपट गया, अब पढ़ना है विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, बस इतना पढ़ना है, और एक पढ़ना है कारक, ठीक है, और संधि समास टॉपिक ये छोटा छोटा है, ये कोई मुश्किल नहीं, इसको समझेंगे। तो बिना देर के हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर कभी जिंदगी में डाउट हुआ हो विशेषण में और क्रिया विशेषण में, ये दोनों सेम है, ये दोनों किसी के बारे में ही बताता है। विशेषण पहले पता है किसे कहते हैं, जो किसी के बारे में अंदर के क्वालिटी को बताए, ठीक है, उनके बारे में कि वो आदमी कैसा है, उसके बारे में अच्छा बुरा, उसके शरीर में मोटा, मतलब किसी का बुराई करो अच्छाई करो उसके बारे में कुछ भी बताए, जो शब्द बताए उस शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे हम बोले कि हम स्मार्ट हैं, मतलब ऐसे मान लीजिए, ठीक है, तो एक जो स्मार्ट वर्ड था मेरे बारे में बताया ना, तो स्मार्ट एक विशेषण है, आप भी बहुत स्मार्ट है,
ठीक है। तो जो आप भी बहुत स्मार्ट हैं, आप बड़ी सुंदर है, तो सुंदर जो है ना आपके बारे में बताएं, आप बहुत लंबे हैं तो आपके बारे में हम क्या किसी से बताएं, तो लंबा है, ठीक है। तो ये जो वर्ड बताता है किसी के बारे में ना, विशेषता बताता है उसके बारे में, उसके गुण दोष रंग रूप लंबाई चौड़ाई मतलब फलाना ढेमकाना ये भी हो जो भी हो, ठीक है, ये सब जो बताता है इसे हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक। एक टॉपिक में डाउट आ जाएगा, यहाँ देखिए सीता सुंदर है तो सुंदर विशेषता बता रहा है, ये भी विशेषण। वह सुंदर लिखती है तो सुंदर लिखती है, ये भी विशेषता बता रहा है, लेकिन दोनों विशेषण नहीं है। ये वाला विशेषण है लेकिन ये वाला क्रिया विशेषण है। अब कहेगा सर तो इसमें हम कैसे पहचाने कि कौन विशेषण है कौन विशेष क्रिया विशेषण है, ऐसा जानेंगे तो उसके लिए हम लोग को इधर देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग विशेषण जानते हैं उसके बाद क्रिया विशेषण समझते हैं कि बता दें, बता ही दे रहे हैं। सुनिए, जो विशेषण होता है, जो ये विशेषण है और ये है क्रिया विशेषण, ये जब भी किसी के बारे में बताएगा तो ये संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताएगा, या तो किसी व्यक्ति का नाम हो या वह यह के बारे में। लेकिन जब ये वाला क्रिया विशेषण, ये किसी काम के बारे में बताएगा, जैसे लिखना एक काम है लेकिन लड़की एक काम नहीं है, लड़की एक संज्ञा है, संज्ञा है ना, तो जो भी काम है काम के बारे में जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण, क्रिया का मतलब काम करना होता है, क्रिया होता है ना, तुम कौन से क्रिया कर रहे हो, तो वही बात है। तो क्रिया यानी कि जो किसी क्रिया के बारे में विशेषता बताए, दोनों तो सुंदर ही है लेकिन ये सुंदर एक काम के बारे में बता रहे, तो जो काम के बारे में बताए उसे क्रिया विशेषण, और जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताए उसे सिर्फ कहते हैं विशेषण। जैसे यहां देखिए, वह लड़की सुंदर है तो लड़की एक नाम है, संज्ञा इसके बारे में बताई है, इसीलिए ये हो जाएगा कौन विशेषण। लेकिन लिखना, वह बहुत अच्छा लिखती है, वो बहुत सुंदर लिखती है, लिखना एक काम है, वह बहुत तेज दौड़ता है तो दौड़ना भी एक काम है, तो जब दौड़ना काम है तो जो तेज, जैसे यहाँ देखो वह खूब लिखता है तो लिखना एक काम है, और लिखने की विशेषता है कि वो खूब लिखता है, तो खूब एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मत खाओ, खाना एक काम है, किसी का नाम नहीं है, और इसके पहले वाला हो जाएगा क्रिया, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। वह तेज दौड़ता है तो दौड़ना एक काम है, दौड़ने का काम करे ना, उससे पहले तेज है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, राम अच्छा लड़का है तो लड़का एक संज्ञा है, तो जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में यही ना बता रहे कि अच्छा है, तो इसे हम लोग कहेंगे विशेषण। आदमी से पहले वैमान, तो ये विशेषण। लड़की सुंदर है तो सुंदर है, और लड़की है संज्ञा तो संज्ञा के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा विशेषण। तो डाउट हो गया आउट, उससे पहले के ट्रिक समझिए, ये तो इसके प्रकार बहुत आसानी से समझ जाएगा। वैसे ये पूरा हिस्सा देखो तो एक दो तीन चार हिस्सा में लिखा है, इसीलिए इसके चार प्रकार होते हैं। अगर ऐसे भी नहीं समझ में, तो विशेषण में देखिए ऐसे है ना, चार की तरह है कि नहीं, सौ चार की तरह होता है, औणा भी थोड़ा इस तरह चार की तरह होता है, तो इसीलिए इसके कितने प्रकार, चार प्रकार। लेकिन इसका भी ट्रिक याद रखिए, जीपीएस देखिएगा, बहुत ऐसा मूवी में देखना, एक ध्रुवा मूवी था जिसमें हॉट में ही चिप लगा दिया रहता है, जीपीएस लगा दिया जाता है। एग्जाम से पहले भी अगर आप बाबू ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट एक रोज पहले, तो ये मत सोचिएगा आप कि एक रोज पहले सर व्याकरण हमको याद हो जाएगा, याद करने को कौन बोल रहा है, आपको याद नहीं करना है, आपको बस देख लेना है। आप ऑब्जेक्टिव, मेरी गारंटी है कि आप सही करके आएंगे। अब ये मत कहिए सर हमेशा गारंटी ही देते हैं, अरे गारंटी देते हैं तो काम भी तो कर रहे हैं ना, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, और एक एक टॉपिक में क्या हम ऐसी बातें रखेंगे जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो ट्रिक बन के याद हो जाएगा, इसी के बारे में हम हमेशा यही सोचते रहते हैं। आपके हर एक कमेंट के अनुसार 12th क्लास का ऑल ऑब्जेक्टिव हम पूरा का पूरा आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का करा चुके हैं। 10th के मैराथन के माध्यम से पूरा इतिहास एक ही वीडियो में कंप्लीट, पूरा भूगोल यानी ज्योग्राफी एक ही वीडियो में, सिविक्स एक ही वीडियो में, और इकोनॉमिक्स भी एक वीडियो में कंप्लीट है। और उसके बाद से हमने क्या किया है आपको पहले हम बता दे रहे हैं, अगर कभी कोई नया स्टूडेंट भी 10 दिन में तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है, आराम से कर सकते हैं, उसका भी फर्स्ट डिविजन बढ़िया आएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से चारों वीडियो बनाने के बाद आप कंटेंट ये है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी कराएं एक एक वीडियो मैराथन के माध्यम से, अगर आप वो भी देखेंगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में आपका संपूर्ण व्याकरण, हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण पूरा का पूरा कंप्लीट है, और वो भी एक एक तरीका लगा के, ट्रिक लगा करके। यहां समझिएगा, हम यहां पढ़ रहे हैं कारक, क्या पढ़ रहे हैं कारक, कारक के टोटल यहाँ पे कितने भेद हैं, तो कारक को कितने भागों में बांटा गया है, आठ, यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब इस आठों को याद करना है, क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में ऐसे बोल दिए कि राम ने रावण को मारा, इसमें राम कौन सा कारक है, तो कारक टोटल कितने होते हैं, आठ होते हैं, कारक कितने होते हैं, आठ होते हैं। अब ये याद नहीं ना हो रहा है कि आठ होते हैं, यहाँ देखो थोड़ा सा तुमको इधर क इस तरह दिख रहा है ना यहाँ पे, इधर वाला में भी क एगो है,
दोनों ऐसे मिलाओगे ना तो क्या बन जाएगा, आठ बन जाएगा। जैसे संज्ञा में बताया था ना ज्ञा पांच की तरह लिखा था, तो इसके पांच प्रकार, तो उसी तरह कुछ ट्रिक लगा लीजिए लॉजिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार हैं, आठ प्रकार है पूरा का पूरा। अब देखिए पहला है कर्ता कारक, कह रहे कर्ता कारक, नहीं कहते काम, जैसे कोई काम कर रहा है तो तुम क्या करे करता, क्या कहोगे करता, तो जो कोई काम करता है ना उसी को कर्ता कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो हम कहें क्या करे करता, क्या करता पढ़ता। ठीक है, तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक, आ काम तो आप कर लिए तो उसका फल मिलेगा ना, अगर अच्छा तैयारी किए तो उसका फल मिलेगा जरूर। जैसे राम ने, तो राम ने रावण को मारा, तो राम ने तो अपना काम कर दिया, फल किसको मिला, रावण को, उसके कर्मों का फल मिला। तो कर्म किसे कहते हैं, जिसको फल मिले, कर्मों का फल मिले उसे कहते हैं हम लोग कर्म। तो यहाँ कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करता है, और इसको पहचानने का तरीका ने, लेकिन कभी कभी ने नहीं रहता है। जैसे यहाँ देखिए छोटुआ ने आम खाया, तो यहाँ देखिए इसमें काम कौन किया है खाने का, छोटुआ। अब कोई कहेगा कि छोटुआ क्या करता, आम खा रहा है, ऐसा बोला ना करता, तो छोटुआ करता है। और पहचानने का तरीका ने के पहले वाला जो रहता है वो करता है, तो यहाँ ने के पहले वाला क्या है करता, तो यहाँ छोटुआ ने आम खाया इसमें करता छोटुआ है, समझ में। कभी कभी ने हटा दिया जाता है, यहाँ देखिए छोटुआ आम खाया, तो कभी कभी ने, अब मत ढूंढिएगा सर ने बताएं, तो इसमें सोचिएगा कि सर बोल रहे हैं करता, तो इसमें छोटुआ आम खाया में काम कौन करता, यानी काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो कौन कर रहा है, छोटुआ कर रहा है, तो यहाँ छोटुआ क्या हो जाएगा करता, इसमें ने नहीं है फिर भी आप समझ गए। यहाँ देखिए कर्म, जो काम आप किए तो फल मिला, यहाँ देखिए तो राम ने रावण को मारा, तो देखिए कर्म का विभक्ति है को। ठीक है, विभक्ति का मतलब होता है पहचानने का तरीका, यानी कर्म के आगे अगर को रहेगा, यहाँ पे भी को, यहाँ पे भी को, इसके पीछे क्या है कर्म, तो इसके पीछे वाला क्या हो जाता है कर्म, यानी इसमें रावण है कर्म, यानी कर्म किसे कहते हैं, जिसको फल मिले। तो राम ने रावण को मारा, तो राम ने अपना काम कर दिया, अब मारे तो फल किसको मिला, रावण को, तो जिसको फल मिलता है उसे हम लोग कर्म कहते हैं। तो ये हो जाएंगे इसमें कर्ता, इन्हों काम कर दिया, और ये हो जाएगा कर्म। करण का सिंबल होता है से या फिर द्वारा। ठीक है, इसमें सहारा लेके छोड़ा है वाला बात होता है, यानी सहारा लिया जाता है। जैसे अब देखिएगा आप मोबाइल से पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं ना, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखिए आपने किसका सहारा लिया, तो से के पहले वाला, अगर हम यहाँ लिख दें आप मोबाइल से पढ़ते हैं, इसमें करण कौन है, करण कारक कौन है, कारक खाना है ना, तो यहाँ करण कारक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है करण। तो देखिए करण सूची के सर बता है करण का सिंबल से होता है, यानी जिसमें से आ जाएगा उसके पहले वाले को करण कहते हैं। तो आप मोबाइल से पढ़ते हैं, तो से के पहले वाले को क्या कहते हैं, से के पहले वाले को करण कहते हैं। तो ये हो जाएगा मोबाइल, इसमें हो जाएगा करण, क्योंकि आप मोबाइल का सहारा ले रहे हैं। तो जब भी सहारा की बात हो, किसका बात हो, सहारा, या फिर आप मोबाइल द्वारा पढ़ते हैं तो सहारा लिए हैं ना मोबाइल का। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो जाता है, करण हो जाता है। यहाँ देखिए पापा ने चप्पल से मारा, बाप रे पापा ने, पता है, तो पापा ने अपना काम कर दिया, करता हो गए पापा, और चप्पल से कौन सा साधन था, चप्पल साधन था। ठीक है, तो चप्पल से, तो यहाँ पे से यानी चप्पल जो है ये क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, और इसमें पापा हो जाएंगे करता। लेकिन एक डाउट आएगा, इसमें भी से है, इसमें भी से है, तो से के पहले वाले को करण कहते हैं, लेकिन इसमें से के पहले वाले को अपादान कहते हैं, तो मामला तो फंस गया। तो नहीं बाबू सुनिए, इसमें सहारा लिया जा रहा है और इसमें बिछड़ाव होता है। जैसे हम बोले मैं घर से भाग गया, तो इसमें तो कोई सहारा नहीं लिया है, लेकिन इसमें से आया है कि नहीं, आप समझिएगा इसको, मैं घर से भाग गया। अब आप बताइए कि इसमें भी से है, लेकिन क्या इसके पहले वाला कोई सहारा वाला वर्ड है, लेकिन यहाँ देखिए चप्पल से, तो चप्पल तो एक सहारा लेके मारे है ना। ठीक है, यानी सहारा या साधन का काम किया, चप्पल एक साधन था जिसे हम बिठाए, लेकिन घर यहाँ साधन नहीं है। तो सुनो अब ध्यान से, ये इसमें आएगा, अब क्यों, तो जिसमें से लगा हो और अलगाव का बात हो, जब आप घर से भागते हैं तो आपका घर और आप में बिछड़ाव होता है, बीच में दूरी बढ़ता है ना। मैं छत से गिर गया, तो छत से गिर गया तो छत साधन नहीं है, छत से, छत और आपके बीच जुदाई होता है, और नीचे आके क्या होता है, देखने का हाथ पैर टूट चुका है, तो जब भी जुदाई का, वृक्ष से पत्ते गिर गए, तो वृक्ष और पत्ते में जुदाई होता है, तो जहाँ जुदाई का बात हो उसे अपादान कहते हैं। ठीक है, अपादान कहते हैं, और जहाँ साधन का बात हो उसे करण कहते हैं। यहाँ देखिए संप्रदान, संप्रदान बहुत बेवफा चीज है, समझिएगा, संप्रदान का सिंबल होता है को और के लिए। जैसे मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ी,
तो आप किसी के लिए अगर काम कर रहे हैं, किसी के लिए, तो उसे कहते हैं क्या, संप्रदान। यानी आप सब कुछ अपना प्रदान कर दिए, सब कुछ दे दिए, ठीक है, तो संप्रदान के लिए वाला सिंबल होता है। तो जिसमें के लिए लगा है उसके पहले वाला को क्या कहते हैं, संप्रदान। तो मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ दी, इसमें कौन हो जाएगा, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान। अब कहेगा सर यहां भी तो को है, यहां भी तो को है, तो इस को का मतलब तो समझ गए कर्मों का फल, लेकिन इस को का मतलब सीता ने राजू को कलम दी। आप बताइए कि सीता थी जाके राजू को कलम दे दी, तो यहाँ राजू को, तो ये मत कहिए सर को के पहले वाले को क्या कहते हैं, कर्म। यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ हो जाएगा कौन, संप्रदान। क्योंकि जो पेन लाई थी वो किसके लिए लाई थी, कलम किसके लिए, राजू के लिए लाई थी। किसके लिए लाई थी, जब भी ये वाला को वाला है किसके लिए वर्ड बोलना है, तो राजू के लिए। तो ये के लिए ही वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि सीता ने राजू को पेन दी, क्यों, क्योंकि उसी के लिए लाई थी, तो यहाँ राजू हो जाएंगे क्या, संप्रदान। तो समझ में आया, कर्ता ने, ये याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संप्रदान, को के लिए, अपादान से संबंध, संबंध काकी के, काकी के संबंध, काकी के अधिकरण में पै पर संबोधन हे अजी अरे। अब यहां देखो संबंध, बीच में का लगा हो, की लगा हो, के लगा हो, जैसे राजा की रानी, ठीक है, राजा की रानी अच्छी है, अगर यहां से हटा दे तो हो जाएगा राजा रानी अच्छी है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो राजा की रानी ये बता रहा है, दोनों में संबंध बता रहा है कि जो भी रानी है ना ये किसकी है, राजा की है, ठीक है, तो ये संबंध बता रहा है, तो इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। यहां देखिए मोहन का कुत्ता दौड़ता है, तो ये बीच में का जो है संबंध बताया है ना कि कुत्ता किसका है, मोहन का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। अब बात करते हैं अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है आधार। जैसे मैं छत पर खड़ा हूँ, तो आप किसी चीज पर हैं कि नहीं, किसी आधार पर हैं। मैं क्लास में हूँ, तो या फिर किसी के ऊपर रहो व किसी के अंदर रहो, उसी को अधिकरण कहते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर या किसी के अंदर। जैसे शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो ये जहां भी देखिएगा वर्ड उसके पहले वाले को अधिकरण कहते हैं। जैसे मैं घर पे, घर में पढ़ रहा हूं, तो मैं यहां पे है ना, मैं है, और मैं के पहले वाले को क्या कहेंगे, यहां पे अधिकरण ये है। तुम छत पर क्यों देख रहे हो, क्या देख रहे हो, तुम छत पर क्या देख रहे हो चढ़ के, तो छत पर क्या देख रहे हो, तो पर है ना, मैं पे पर, तो यहाँ पे हो जाएगा पर के पहले वाला, तो पर के पहले वाला छत है, तो छत हो जाएगा अधिकरण। संबोधन बड़ी अच्छा वर्ड है, ठीक है, जैसे संबोधन में ना इज्जत दिया जाता है, क्या कहता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है, या किसी को बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे तुम घर पे, तुम्हारी शादी जब हो जाएगी ना, तो कहोगे अजी सुनती हो, ऐसे बोलोगे ना, तो जो अजी वर्ड है ना, अजी सुनती हो में अजी, वही आपका क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। अजी सुनती हो, अरे यार चलो जल्दी, तो अरे यार, तो हे अजी अरे इसका सिंबल है, ठीक है, हे भगवान, ऐसे लोग कहते हैं ना, तो हे भगवान वाला भी वर्ड ये हो जाएगा। उसके बाद से अजी सुनते हो या अजी सुनती हो, अरे बाप रे, तो अरे बाप रे आया ना, तो एकाएक संबोधन हो या फिर पुकारा जाए, चिल्लाया जाए, उसमें संबोधन लगता है। तो ये कारक समझ में आ गया, तो आप कमेंट में ये लिख लीजिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, अपदान से संबंध काकी के, अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे अजी अरे। तो उम्मीद करते हैं कि ये कर्ता कारक वर्ड पूरा का पूरा कारक के आठों प्रकार, कारक कितने प्रकार, तो क भी ऐसे लिखाता है, का र क हो जाता है, तो इसमें का एगो गोल का ले लीजिएगा, इसमें का एगो गोला, दोनों मिला दीजिएगा तो आठ की तरह दिखेगा, सीधा करके इसे लिख सकते हैं। तो कारक के आठ प्रकार होते हैं। इस टॉपिक से आप संधि और समास में अंतर समझ लेंगे। देखिए संधि भी दो चीज मिलता है, संधि माने मिल जाना, समधि समझते हो ना, दो परिवार का मिलना होता है, तो वही संधि भी, और समास का मतलब भी होता है, समास माने समझ जाओ। यहाँ देखो दो चीजें मिलेगा ना, तो ये भी मिलेगा तो समास बनता है, और दो चीजें मिलेगा तो भी संधि बनता है, लेकिन दोनों में कुछ तो अंतर होगा, यहाँ समझिएगा। समास में दो गो बड़ा बड़ा शब्द मिलता है, लेकिन उसके बीच में जो होता है ना, इसको विभक्ति बोलते हैं, इस विभक्ति को हटा के और आपस में मिल जाता है, उसे समास कहते हैं। यानी कि जब दो पद अपनी बीच वाली विभक्ति को हटा करके और आपस में मिल जाता है, उसे समास कहते हैं। यहाँ देखिए राजा की कन्या में एक ऊपर है, यहाँ पे ये दो पद है अपनी विभक्ति, यानी यहाँ पे विभक्ति लिख दिया है ना, विभक्ति की को हटा करके और आपस में जुटेगा, तो राजा की कन्या राजकन्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजकन्या। प्रधान का मंत्री, दो शब्द है अपनी विभक्ति को हटा करके आपस में जुड़ जाता है, तो देखिए ये शब्द मिलता है,
ये शब्दों का मेल है, किसका मेल है, शब्दों का मेल है, तो ये बनता है क्या, ये समास बनता है। लेकिन अब थोड़ा सा यहां पे ही समझा दिए आपको संधि, संधि क्या होता है, संधि ना ध्वनियों का मेल है, क्या है ध्वनि माने छोटा सा आवाज, ये बड़ा बड़ा शब्द मिलता है ये छोटा, जैसे विद्या का अर्थ यानी विद्या प्लस अर्थ, विद्या लास्ट में क्या आया आ, तो आ एक आवाज है, बहुत बड़ा शब्द नहीं है, शब्द तो बड़ा ये है ना, राजा कन्या की हटा है तो दोनों बड़का बड़का जुटा है, लेकिन इसमें लास्ट वाला अ जुटेगा और इसमें लास्ट यहाँ पहले वाला, दोनों मिलेगा ऐसे, और दोनों मिलेगा तो बीच में ना चेंजिंग होगा, क्योंकि ऐसे दो चीजें जाकर ऐसे मिलेगा तो देखिए मिला तो ये बीच में ना चेंजिंग होता है, तो ये ध्वनियों का मेल है, छोटा छोटा आवाजों का मेल है, और ये बड़ा बड़ा शब्दों का मेल है, तो समास थोड़ा बड़ा लिखाया है कि नहीं, और संधि थोड़ा छोटा लिखाता है, ठीक है, तो ये शब्दों के मेल को समास और ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। अब चुटकियों में समास को खत्म करते हैं, समास में कुछ नहीं, वैसे समास छह प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के होते हैं, इसमें आसान भाषा में समझिएगा, मान लीजिए कि राजा की कन्या, इसको बोलते हैं राजकन्या, क्या बोलते हैं राजकन्या, तो आप थोड़ा देर के लिए बताइए कि इसमें हम बोलें कि राजकन्या को बुलाया जाए तो आप किसको बुलाइएगा, राज को बुलाइएगा कि कन्या को बुलाइएगा, जाहिर सी बात है लड़की को बुलाएगा कन्या को, तो इसमें लग रहा है कि ये मेन है, क्या है मेन, प्रधानमंत्री को बुलाया जाए तो प्रधान को बुलाइएगा कि मंत्री को बुलाएगा, मंत्री को बुलाएगा कि मंत्री है ना जी वो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका दूसरा पद मेन है, लेकिन किसी किसी शब्द में पहला पद ही मेन हो जाता है, तो उसे कहते हैं जब पहला पद मेन हो तो अव्ययी भाव समास, यानी कि प्रथम पद प्रधान हो तो यहाँ फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट वाला मेन, जैसे कि भर पेट में क्या होता है, आप कहे कि हम भर पेट खा लिए, तो पेटवा भर लिए कि पेट खा लिए, भर लिए ना, तो पहला वाला पद प्रधान है, आमरण, मरण नहीं आमरण, तो पहला पद प्रधान क्योंकि मरते दम तक। और हाँ, अव्ययी भाव समास को पहचाने का एक और तरीका, अगर कोई भी शब्द लगातार ऐसे जैसे दिनों दिन रातों रात इस टाइप का शब्द मिले तो वो भी अव्ययी भाव समास है, ठीक है, या फिर मन ही मन में सोच रहा था, ठीक है, कि मतलब आप मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाता, तो मन ही मन इस टाइप का एक ही जैसा वर्ड आपको दिखे तो ये सब क्या होता है, अव्ययी भाव समास। पहले तो जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास, दूसरा कि जिसमें एक ही जैसा नाम ऐसे शब्द आ जाए वो भी अव्ययी भाव समास। इसमें प्रथम पद प्रधान, इसमें द्वितीय पद यानी दूसरा वाला मेन होता है, जैसे सिर तोड़, सिर तोड़ माने सिर को तोड़ने वाला, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोले सिर तोड़ को बुलाओ तो सिर को बुलाएगा कि तोड़ने वाले को बुलाएगा, तो जो तोड़ा है उसको ना, तो इसमें द्वितीय पद प्रधान है, पहला में अ में, अच्छा अ आ में अ पहले आता है ना, तो अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष में दूसरा, पॉकेट मार को बुलाया जाए तो पॉकेट को बुलाया जाए कि जो उसको मारा है उसको बुलाएगा, मार को बुलाएगा, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है। नेत्रहीन माने आंख से अंधा, आंख नेत्र से हीन होता है, क्या होता है इसको, अगर देखिए इस समास है लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि समास का विग्रह कीजिए माने फिर से तोड़िए, जैसे यहां देखिए राजा की कन्या तो क्या लिखे राजकन्या, तो ये देखिए राजकन्या एक समास है लेकिन फिर इसको तोड़ेंगे ना तो हो जाएगा राजा की कन्या, बीच में कहा गया जुट गया की, तो जब समास दिया हुआ तोड़ेंगे तो उसे कहेंगे समास विग्रह किए, ये समास है और समास को बिखेर दिए तो समास विग्रह इसे कहते हैं। समास विग्रह क्या है, समास जो भी शब्द है इसको अगर फैला दे तो इसे क्या कहते हैं समास विग्रह। यहां देखिए नेत्रहीन मतलब होता है नेत्र माने आंख, यानी कि नेत्र से हीन, क्या होता है नेत्र से हीन, तो आप बताइए इसमें नेत्रहीन माने आंख से अंधा यानी हीन हो जाना, तो नेत्र प्रधान है कि हीन, भाई हीन है ना क्योंकि हीन हो चुका है आंख खराब हो चुका है, तो इसमें द्वितीय पद प्रधान है। और एक और चीज, जब आप इसको तोड़िएगा, जैसे नेत्र से हीन में से हटाए हैं तो जुट गया है, तो जब इसको तोड़िएगा तो उसके बीच में या तो को आए या फिर से आए या के लिए आए, ठीक है, तो ये सब चीजें अगर बीच में आ रहा है तो समझिएगा तत्पुरुष है। समझिए ध्यान से, जिसका पहला पद प्रधान उसे अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान उसे तत्पुरुष, अगर ये दोनों में कोई नहीं आ रहा है तो उसको तोड़ के देखिएगा, या तो एक ही जैसा नाम ऐसे दिखने लगे या फिर तोड़ने के बाद को से के लिए आए तो वो तत्पुरुष समास होता है। याद हुआ इतना, पहला पद प्रधान उसे अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान उसे तत्पुरुष, और जिसका दोनों पद प्रधान, पहले में एक नंबर प्रधान, दूसरे में दो नंबर प्रधान, और तीसरे में दोनों मेन हो जाए, जैसे कि यहाँ देखिए माता पिता दोनों प्रधान है कि नहीं, तो पूछ देगा माता पिता कौन सा समास है, तो द्वंद्व, माने द्वंद्व माने दोनों द द है ना, और देखिए दोनों एक ही जैसा जब है, समझिएगा ध्यान से, तो इसका दोनों पद प्रधान, जन्म मरण मरम हो गया, मरण होगा। लोटा डोरी, ये एग्जाम में पूछा है कि लोटा डोरी कौन सा समास है, तो लोटा जितना इंपॉर्टेंट है ना, पहले के जमाने में कुआं से पानी निकाला जाता था, उस जमाने के अनुसार जब कुआं से पानी निकाला जाएगा तो उसमें डोरी भी चाहिए और लोटा भी चाहिए, तो दोनों मेन है, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। पाप पुण्य दोनों, दिन रात हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा, वाइफ हस्बैंड मतलब पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है, तो ये द और द दोनों में है तो दोनों प्रधान। तीन को याद हुआ, जिसका पहला पद मेन वो अव्ययी भाव, जिसका दूसरा पद मेन उसे तत्पुरुष, और जिसका दोनों पद मेन वो क्या हो जाएगा द्वंद्व समास।
अब बात करते हैं द्विगु। अच्छा लग रहा है ना, इसमें नंबर हम बोल रहे हैं दो गो तीन गो, तो जिसमें संख्या आ जाए, नंबर आ जाए, यहां लिख दिए जिसमें संख्या आ जाए उसे क्या कहते हैं, द्विगु। जैसे नहीं होता है चौराहा, नवग्रह, हम बोले चौराहा पर बैठे हो, इसमें द्विगु समास कौन है, तो बोलेगा सर नंबर वाला है ना तो चौराहा हो जाएगा। नवग्रह, दुगुना, तिनगुना, चौगुना, चरमोहानी, ये सब जितना नंबर वाला आता है वो सब क्या हो जाता है, द्विगु समास। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बात, बहुव्रीही। ये नहीं कि बहु वाला ब्रीही, ऐसा कुछ नहीं है, सास बहु वाला नहीं है। बहुव्रीही का मतलब होता है आप कोई एक शब्द बोलिए जो भी समास हो और उस शब्द का अर्थ कोई दूसरा निकले। जैसे हम बोले चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर भगवान शिव को बोलते हैं, तो चंद्रशेखर तो बोल दिए लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, भगवान शिव होता है। तो यानी कि ऐसा शब्द जिसका कोई नया अर्थ निकले उसे हम लोग कहते हैं बहुव्रीही, यानी कि बहुत सारा अलग अलग अर्थ निकले। जैसे कि वीरापाणी किसको कहा जाता है, माँ सरस्वती जो हम लोगों को ज्ञान देती है, ठीक है, तो वीरापाणी किसे कहते हैं, सरस्वती। तो हम बोल रहे हैं वीरापाणी लेकिन अर्थ अलग निकल रहा है। लंबोदर, लंबोदर याद है ना, जिसका लंबा पेट हो, तो गणेश को बोलते हैं। तो जिसका अलग अर्थ होता है उसी को क्या कहते हैं, बहुव्रीही। अब यहाँ पे बच गया कर्मधारय, जो आज तक बच्चा को डाउटे रह जाता है कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो सुनिए, समास है तो एक शब्द रहे, एक शब्द को ना समास कहते हैं। सुनिए, एक शब्द को दो हिस्सा तोड़ो, समझिएगा ध्यान से, तो पता है ये जो दोनों भईवा टूटेगा, ध्यान से समझिएगा, तो एक पीछे वाला जो होगा भाई वो आगे वाला के बारे में बताएगा कि कैसा है, क्या बताएगा, आगे वाले के बारे में बताएगा। जैसे यहाँ गौर से देखिएगा, वीर बाला, बाला माने होता है बालक, वीर माने होता है मजबूत, तो इस बालक की विशेषता बता रहा है कि बालक जो है कैसा है, वीर है, ठीक है, तो ई वाला इसके बारे में बता रहा है कि नहीं, तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, कर्मधारय, माने ये आगे वाले के कर्मों को बताए, कर्म को धारण करें। यहाँ देखिए नील कमल, तो यहाँ पे जो कमल है वो किस कलर का है, नीला है, तो बताइए कमल की विशेषता ये नीला बताए कि नहीं, कि जो कमल है ना आगे वाला बता रहा है कैसा है, हमारे पास आके पूछिए, नीला है। यहाँ देखिए कमल नयन, कमल नयन माने कि आपका नयन जो है कमल की तरह सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ देखिए नयन कैसा है, कमल का जैसा। अनजान, अनजान माने होता है न जानने वाला, न जानने वाला, नहीं बोलते हैं कि ये अनजान आदमी है, इसको तो हम जानते ही नहीं है, तो जान को बताया है कि हम जान नहीं, यानी कि अनजान है, उसको जानते ही नहीं है, तो पहला वाला दूसरे वाले के बारे में। जैसे एक और एग्जांपल में सबसे ज़्यादा पूछता है, लौह पुरुष बड़ी पूछता है, लौह माने लोहा, पुरुष माने व्यक्ति, यानी कि पुरुष कैसा है, लोहे के जैसा है, तो ई वाला शब्द जो है आगे वाला के बारे में बताया है कि नहीं। तो यही आपका पूरा का पूरा समास था, और संधि मतलब ध्वनियों के मेल को संधि, और शब्दों के मेल को, शब्द को पद भी कह सकते हैं, पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो समास आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग संधि देखते हैं, यह संधि को समझाने का तीन तरीका अपनाएंगे। पहला तरीका ही ट्रिक से समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट पहचानने को कि कौन सी संधि है, ये इतना जान सकते हैं कि नाम रखते ही बता सकते हैं कि गुण संधि है, आयादि संधि है, या फिर वृद्धि संधि है, कौन सी संधि है ये तो बता सकते हो 1000%। अभी तक 100% का नाम सुने हो ना, ठीक है, 1000% का गारंटी हम दे रहे हैं, ठीक है, कि आप पहचान सकते हैं, बस पहचान सकते हैं। अब रहा बात संधि विच्छेद करने का, तो दूसरे ट्रिक में आप संधि विच्छेद करना सीखेंगे। यहां समझिएगा, पहले तो संधि के तीन प्रकार हैं, संधि तीन गो से लिखा गया, स न धि, तो स न धि तीन गो से लिखा गया ना, तो संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, स्वर वर्ण मत समझना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब कहेगा सर इसका नाम स्वर संधि क्यों हुआ, क्योंकि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, अ आ को कहते हैं, अ आ अ तक को स्वर संधि कहते हैं, तो स्वर संधि माने होता है मिलना, तो जैसे दो गो चीज यहां मिलेगा तो बताओ परिवर्तन, चेंजिंग कहाँ दिखेगा, बीच में ना चेंजिंग दिखेगा, तो संधि में हमेशा बीच में चेंजिंग दिखता है, ठीक। उसके बाद से स्वर संधि क्यों नाम पड़ा, क्योंकि स्वर स्वर के साथ ही मिलेगा, यानी कि अ आ के साथ मिलेगा, तो इसमें जितना भी आपको मिलेगा सब अ आ को अ आ के साथ मिलेगा। देखिए अ आ में का है, ये भी अ आ में का है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, सब स्वर का स्वर के साथ ही मिला है, इसीलिए स्वर संधि कहते हैं। तो अब देखिए संधि के तीन प्रकार हो गए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग माने समझते हो ना, देखना संधि विच्छेद में ऐसे भुकभुकिया दू आता है ना ऐसे, ठीक है, इसको विसर्ग कहते हैं। इसका नाम क्या है, नॉट भुकभुकिया, ओनली विसर्ग नाम है इसका। यहां देखिए पहला हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, तो स्वर संधि सबसे खाली सिर्फ एग्जाम में यही ज्यादा पूछता है कि स्वर संधि इनमें से कौन सा है, कौन सा स्वर संधि, पांच प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5। अब आपको लग रहा होगा सर जगह नहीं होगा तो आप यहाँ लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है बाबू, हम चाहते तो इसमें हटा देते, एडजस्ट कर देते, इसको अलग लिखे क्योंकि इसको अलग बताना है। इसका ट्रिक बताएंगे, वो भी आपका ट्रिक से याद हो जाएगा, ये लाइन से आपको याद होगा। सुनिए अब इसके पांच प्रकार, तो स्वर संधि के पांच प्रकार, संधि के तीन प्रकार
और इसी में प्रकार है स्वर संधि के पांच। तो ये देखिए, ये पांच को से लिखा गया है, 1 2 3 4 5, ऐसे 9 मत पढ़िए इसको, डायरेक्ट वर्ड को देखिए, यहाँ पे छोटा छोटा ध्वनि को, स्वर संधि, ठीक है। तो ये पांच प्रकार है, इसीलिए इसके कितने प्रकार हो गए, पांच प्रकार हो गए। अब देखिए यहां से गुण संधि का सिर्फ आपको एग्जाम्पल देंगे, आप जैसे ही कोई बोलेगा महेंद्र कौन सा संधि है तो डायरेक्ट बोलिए कि सर गुण संधि है, ठीक है। कोई पूछेगा एकाएक कौन सा संधि, तो डायरेक्ट बोलिएगा वृद्धि संधि है। कैसे आप बताइए, आप में बहुत अच्छा गुण है बहुत खराब गुण है, तो हम लोग गुण से ही बात करते हैं। इंसान की पहचान उसके अंदर के गुण क्वालिटी से होता है, स्मार्टनेस से कुछ नहीं होता, बुढ़ौती में सब खत्म हो जाएगा, ये तो बात पता है ना। तो गुण से शुरू करते हैं। गुण में होता क्या है कि देखिए, जब ऐसे दो जा करके ऐसे मिलेगा सब, तो बीच में चेंजिंग होगा, तो बीच में हमेशा एकले होगा, एगो होगा। गुण में क्या होता है, हमेशा एगो होगा। यहाँ सब जगह देखिए एगो है, सब जगह क्या है, एगो है। ये याद रखिएगा, ये र वाला है, यहाँ एगो होगा। लेकिन अब वृद्धि, वृद्धि माने बढ़ना होता है, एगो बढ़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एगो बढ़ जाएगा। समझिएगा ध्यान से, गुण में एगो रहेगा और वृद्धि माने बढ़ जाना। तो जैसे ही बोला कि हमको बढ़ाओ, तो करना में पड़ गया वृद्धि। अच्छा, ते बढ़ाएगा तो तू अपने में बढ़ाएगा, तो तुम्हारा नाम वृद्धि। तो गुण में रहेगा एगो सिंबल, ये वाला क्या बोलते हैं, एकले, और इसमें डबल वृद्धि एगो हो गया, तो हो गया दुगो। तो यहाँ देख सकते हैं एकाएक तथ्य माहौल वनौषधि, ये आप संधि विच्छेद इधर बताएंगे कि कैसे करना है। ये दोनों आपको याद हुआ पहचानने का। अब आप बताइए, हम बोले अगर ठीक है माहौल, तो माहौल में वृद्धि हुआ है ना, दुगो हो गया है, तो माहौल वृद्धि संधि। और हम बोल दें डायरेक्ट राजेश, अरे भाई एगो है, तो एगो कौन हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि हम गुण से शुरू किए थे। तो ये आपको समझ में आया होगा, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, आपका एग्जाम करीब है, तैयारी करने में दिक्कत होगा। अब बात करते हैं यण संधि, ये तो बहुत आसान है। य, यहाँ देखते रहो, य और अण, इस अण को ऐसे ना करके थोड़ा ऐसे घुमाओ, तो जब ऐसे घुमाओगे तो ये लाइनों में जाके मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, व। यानी कि आप अण को व भी बना सकते हैं, ठीक है, क्या बना सकते हैं, ऐसे लाइन है ना, इसको ऐसे लिख दो, व नहीं बन जाएगा, य और व। तो यण संधि, समझिएगा ध्यान से, जिस संधि में ऐसे ले जाके बीच से जुड़ेगा, तो बिचवा में य और व आना चाहिए। यण में समझ में आए, यण में क्या आना चाहिए, य और व आना चाहिए। और जो य और व होगा ना, उसके आगे वाला जो शब्द छुटका होगा वो आधा होगा, क्या होगा, आधा होगा। जैसे यहाँ देखिए, जब भी आपको देखिए स्वागत कौन सा संधि है, तो ये व सर किसमें बताए थे, बीच में चेंजिंग हुआ है, तो य और अण में है, अण को ना व बनाए थे, और उसके आगे वाला अक्षर आधा भी है, तो स्वागत कौन सा हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। यहाँ देखिए अन्वेषण व है, तो यहाँ पे बोले हैं कि य और व, हमेशा य और व के आगे वाला अक्षर ही क्या होगा, यण संधि होगा। समझ में आया, हमेशा य और व होगा, लेकिन कैसे, उसके आगे वाला अक्षर आधा का, प्रत्येक में य भी है, इसके आगे वाला अक्षर आधा भी है, स्वागत अन्वेषण य के आगे आता, इत्यादि में भी देखिए तो आधा तो है, लेकिन किसके आगे है, य के आगे है। तो ये आप पहचान सकते हैं यण से। अब ये अयादि संधि, ये तो साधु संत वाला है, अयादि संधि, इसमें ज्यादा इस शब्द में ज्यादा लोचा नहीं होता है, सीधा होता है, जैसे पवन नयन, ये जितना भी आसान नाम होता है ना, ये अयादि संधि होता है। अगर इससे भी याद नहीं होता, सुनिए, यहाँ अय लिखा है ना, तो सुनिए, इसमें अय आय आय, ये जितना भी होता है ना आकार वाला, जितना क्या होगा, ये देखिए य और व इसमें भी होगा, क्योंकि इसमें भी य है, ठीक है, तो य और व होगा, लेकिन ये अकेले देखिए, इसमें अकेले अकेले य है व है, लेकिन इसमें हमेशा य और व में आएगा अय आय, अयादि में देखो क्या आएगा, पहले तो अय आएगा, फिर एगो लाइन आएगा आय आई आओ आवि, जितना आएगा ना सब, ठीक है, इसी टाइप का नाम मिल रहा है कि नहीं, तो ये सब क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। जैसे नयन अय आया अय, अच्छा अय आया है, तो अयादि संधि हो गया। यहाँ देखो पवन वन वन आया, प व अ आया है, तो अ हो जाएगा, यहाँ पे अ लिख लीजिएगा, छूट गया है अ। यहाँ देखिए नाविक आई, देखिए तो ना आ आया यहाँ पे, अभी तो आवी आया है, यहाँ पे क्या आया है आवी, तो आवी भी हो जाएगा, तो आय आय अब जितना होता है सब अयादि संधि होता है, ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप बताइए, हम बोले आपको एकैक, एकैक कौन सा संधि है, तो आपके सर डबल है ना, वृद्धि हो गया, वृद्धि संधि, ऐसा समझ में आया। हम बोले आपको डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसमें से ले ले पवन, पवन बड़ा सीधा नाम है जी, पवन सीधे है, तो सीधे अयादि संधि, ठीक है। उसके बाद से हम बोले डायरेक्ट मुकेश, तो मुकेश में एगो है गुण संधि, तो ये चार गो आपको याद हो गया, पांचवा आपको याद करा रहे हैं, सुनिए। अच्छा, आप हर्षई दीर्घई पढ़े हैं, आप क्या कहते हैं, अ आ हर्षई दीर्घई, या फिर क क
कर का, कह सई की, क दुर्गई की, तो दीर्घई यही है। जितना ही में बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये सब जो भी आएगा, ठीक है। बड़ा वाला का मतलब क्या है, आ है तो का हो जाता है आकार, ई हो छोटी, ई का मतलब होता है बड़ी की, सॉरी बड़ी ई का मतलब बड़ी की है, छोटी ई का मतलब छोटी की, इसका मतलब होता है बड़ा कु। अगर कखा में देखो तो ऊ का मतलब बड़ा, ऊ का मतलब बड़ा कु। तो ये जहां भी, ये सब दीर्घई वाला है ना, बड़ा वाला यानी दीर्घई वाला, तो ये जहां भी बड़ा वाला दिखे तीनों में से तो वो हो जाएगा दीर्घ संधि। जैसे भावार्थ बीच में चेंज होगा तो आकार है ना, अ नहीं है आ है, गिरीश में री बड़ा वाला है कि नहीं, उसके बाद भानुदय तो नू बड़ा वाला है, बीच में ही होना चाहिए क्योंकि जुटेगा तो बीच में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। तो ऐसे तो आप पहचान सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव जब हम आपको करा रहे हैं ना, ये इसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो अच्छा खासा टिक उसमें मार लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब बात ये रहा कि सर हमको संधि तो पहचानना सीख गए, संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो संधि विच्छेद करने का यहाँ तरीका समझिएगा, सुनिए ध्यान से। जब आप अ आ जानते हैं तो ये इस अ आ का ही जादू है, अ आ में इतना जादू है ना, अपने आप को ही बदल इधर उधर फेर और के पूरा संधि पढ़ा देंगे हम। देखिए यहाँ पे पहले तो अ आ से शुरू करते हैं, अ आ हर्षई में, फिर अ आ हर्षई दीर्घ मिल जाए तो उसे कहते हैं हम लोग कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर। जैसे हम लिखे यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से, हम लिखे विद्या, क्या आया आ, प्लस अर्थी, यहाँ पे क्या आया अ, तो जब भी ये छोटा और बड़ा, ये बड़ा और छोटा मिलेगा तो हमेशा बड़का का वैल्यू रहेगा, तो विद्या प्लस अर्थी डायरेक्ट हो जाएगा बी, तो अ नहीं रहेगा बड़का रहेगा विद्यार्थी, क्या रहेगा विद्यार्थी। तो अ आ में अ आ ही मिलेगा तो हमेशा बड़ा वाला बनेगा, दीर्घ बनेगा, तो दीर्घ बनेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। आपको समझना यहां से है, सुनिए अब ध्यान से, ये अ आ याद रखिएगा, अ आ यहाँ पे अ आ है, इसमें भी अ आ है, दोनों में अ आ है। अ आ के बाद अगर ये वाला दोनों आ जाए या फिर छोटी बड़ी आ जाए या री आ जाए, तीनों में समझिएगा यहाँ अ आ है, ठीक है। अ आ के बाद छोटी ई बड़ी आ जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए या फिर री आ जाए, तो अब कहेगा सर ये आएगा कैसे, तो यहाँ देखो देव प्लस इंद्र हुआ। अब देखिए देव व में अ आया, अ प्लस इसके बाद ये तीनों में से कोई एक आना चाहिए, तो यहाँ पे आया नहीं है इंद्र, तो हमेशा क्या बनता है, जब ई रहेगा अ में ई मिलेगा, यानी दोनों में जब ई मिलेगा तो बनेगा ए, आ ए को कहते हैं एक ले, तो यहाँ पे हो जाएगा दे आ व। अब सुनिए ध्यान से, इसमें का ई दोनों मिल करके का बनाएगा, ये दोनों मिला है ना जी, ये और ये एक ले बनाएगा, एक ले, तो यही हो जाएगा देवे आधा नौ अद्र, यानी ये दोनों मिला है, समझिएगा ये दोनों, तो नौ अद्र लिख दिए, व लिख दिए, द लिख दिए, व भी लिख दिए, इस पर एक ले चढ़ा दिए क्योंकि इसमें का अ और ई मिल के ए बनता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ एक और समझिएगा तो समझ में आएगा, यहाँ देखिए हम अगर लिखें भानु प्लस, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका ये भानु नहीं होगा, ऐसे होगा ज्ञान प्लस उदय, ठीक, क्या हुआ। अब थोड़ा ध्यान से इसको देखो, ज्ञान नौ में अ आ रहा है, इसमें का अ, चेंजिंग यहीं पे होगा, जो होगा इसी पर होगा, बाकी है तो लास्ट वाला देखो हई उतार देंगे और द और यह भी उतार देंगे, चेंजिंग इसी में करना है, तो यहाँ पे हुआ अ, यहाँ पे हुआ उ, तो अ या आ के बाद अगर उ आ जाए तो ये ओ, यानी कि ऐसे इसमें बदल जाता है ओ में, जब भी ये दोनों आए तो ओ में बदलता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नौ, इसको बदल देते हैं ओ, तो ज्ञानोदय हो जाएगा, ज्ञान है ना, तो ज्ञानोदय, समझ में आया। इसमें का अ और उ, यानी कि अ आ के बाद अगर उ आए तो ओ हो जाता है, और ओ यहाँ पे यहीं पे चेंज होगा, चेंजिंग तो यहीं पे होगा, ठीक है, चेंजिंग यहीं होगा, तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर अ आ, अ आ के बाद कौन खत्म हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो गया, अ आ के साथ हई एक बार रह लिए, ठीक, ये सब खत्म हो गया। अब बच गया अ आ के बाद ये वाला चारों बच गया, ये ना चारों, तो फिर अ आ के बाद ये चारों जाएगा, एक बार ये भी रह ली, पहले तो अ आ अपने साथे रहा तो दीर्घ बनाया, फिर अ आ दूगो आगे वाला को लिया, ये वाला पांचवों को लिया था तो ये वाला बना कौन सा, गुण संधि। अब अ आ लेगा इन चारों को, चारों के पास जाएगा, ठीक है। तो यदि अ आ के बाद ए ऐ ओ औ हो, ठीक, तो क्या बन जाएगा,
जहाँ ए ए रहेगा वहाँ डायरेक्ट बड़ का ए हो जाता है। देखिए इस ए का मतलब होता है इकले और इस ए का मतलब होता है डोले, क्योंकि इसका मतलब एगो एगो पहले ही से तो दूगो तो डबल हो जाता है। तो ये दोनों अगर रहेगा तो हमेशा बड़ा वाला बनेगा, ये दोनों रहेगा तो हमेशा ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। तो यहाँ देखिए आपको समझा रहे हैं, एक लिख रहे हैं यहाँ पे हम एक प्लस एक समझने के लिए। तो यहाँ देखिए तो एक क में क्या है? क अ है तो अ आ गया, ठीक। अब प्लस यहाँ पे है एक तो अ आ के बाद क्या आ जाए? ए आ जाए या ए आ जाए, तो हमेशा यहाँ जो भी होगा वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे हैं? ए हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं क, भाई दोनों तो मिल गया तो क लिख दिए और डबल लिख दो क आ क बन गया एक एक। समझ में आया? एक और ले लो, एक और ले लीजिए, तथा प्लस ए, ठीक। अब तथा में आ आया है आ प्लस ए, ठीक, यही ना है ए, यही देखो ये वाला दोनों, एक मिनट, ये वाला दोनों मिला है, ध्यान से देखिए, एक आकार में आ और ए, और आ और ए मिलेगा तो हमेशा बनेगा डबल। तो डबल बनेगा तो थय पर बनेगा ना, त थ पर बना डबल, त थ व बच गया है, क्योंकि ये दोनों मिल करके क्या बना दिया है? डबल बना दिया है। तो ये दोनों, ये आ जाएगा थ पर तो त थ व, तो थ बन गया। तो ये आपको समझ में आएगा, वृद्धि हो गया इसमें, ठीक। अब देखिए अगला, अगला यहाँ पे है यण संधि। यण संधि में क्या कह रहा है? अब देखिए एक बार इनके साथ रहिए लिए, एक बार इनके साथ रहिए लिए, अब ये उब गए साथ रहते रहते, तो अब बोले कि सुन ना भाई अब ते कुछ कर, अब हमारे बस की बात नहीं है। तो अब कहेगा ठीक है अब हम अपने साथ, अब ई रहेगा किसी किसी के साथ। तो यहाँ देखिए अब रहेगा छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री, अब री किसी के साथ रहेगा। तो री अब सोचेगा कि भाई ओ आ इसके साथ रहा है, इसके सही तो दो दो आदमी के साथ रहा है, हम एक ही आदमी के साथ रहेंगे, हम ना रहेंगे, हम सबके साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये बोला इस दोनों के बाद, ये पांचों बोला है कि हम किसी में से रहें हमको उसे मतलब नहीं, हम सबके साथ अब रहेंगे, क्योंकि ये भी क्या करेगा? इनके साथ रहेगा, इनके साथ और अपने साथ भी रहेगा। तो अब देखिए ये आ गया आगे, और इसके बाद कोई भी स्वर हो, तो स्वर तो सब होता है ना, ये खुद भी स्वर है, ये भी स्वर है, और इस हिस्सा वाला चार को भी स्वर है। तो यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा हुआ री के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कौनों आ जाए, उधर से मतलब नहीं है। तो हमेशा छोटी ई बड़ी ई का ई वाला दोनों जहाँ जहाँ रहेगा उस वो य में बदल जाएगा, ये दोनों ऊ है ना ऊ व में बदल जाएगा, आ री र में। तो देखिए ना ई य, जब तुम य बोलते हो ना तो पहले ई आता है, जब तुम व बोलते हो तो पहले उ आता है, तो उ व में, और जब तुम री बोलते हो तो र भी आता है ना, तो ये बदल जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, सु प्लस आगत, सु लास्ट में क्या आया? उ, प्लस कोई भी स्वर आए, कोई भी क्या है? स्वर आए, तो स्वर ये है नहीं आगत, देखिए इसमें आया उ इसमें आया आ, तो जब उ के बाद कोई स्वर आए तो उ किस में बदल जाता है? व में। तो देखिए जहाँ उ होगा ना, तो ये देखिए तो ये हो जाएगा आधा स, आई बदल गया उ बदल गया व में, सु व आकार है ना आ है, तो आ ग त किस में बदल गया? स्वागत। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही यहाँ से सु हटा तो उ बचा और ये आ बचा, तो उ और आ मिलके क्या बनाएगा? व, तो व बनाएगा, लेकिन इसमें आकार है ना, तो व नहीं वा बनाएगा, तो वागत हो गया, और स्व था तो स लिख दिया, तो बन गया ये स्वागत। क्या बन गया? स्वागत। एक और समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहां देखिए प्रति प्लस एक, प्रत्येक बनेगा ये तो आप जानते हैं, लेकिन कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। प्रति ई में छोटा ई है, इसको छोटा ई बोलते हैं, अब प्लस इधर का ए, ये दोनों है ना, इधर का ये वाला सिर्फ हम बोल रहे हैं, ठीक। तो ई और ए, तो ई के बाद अगर कोई भी एक स्वर है, ए क्या है? स्वर वर्ण है, देखो नहीं सब स्वर वर्ण है, ठीक है। तो जब स्वर हो तो ई और ए का य हो जाता है, क्या हो जाता है? य, उसके आगे वाला अक्षर आधा हो जाता है। तो यहाँ लिखो प्र और यहाँ का ई और ये ए बन गया य, तब हो जाएगा आधा, ये जो भी होगा आधा एकले अक, क्या बन गया? प्रतीक। क्या बन गया? ये प्रत्येक बन गया। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे बन गया? अब कहेगा सर ये एकले कहाँ से है? अरे ये ए है ना, तो इसी को ना एकले कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको भी हटाते हैं, बच गया अयादि संधि। तो देखो एक बार ये सबके साथ रह लिया, अब ये भी कहेगा ए ए ओ ओ कि हम भी सबके साथ, समझिएगा। एक बार ओ आ के साथ रहा, फिर इस ग्रुप के साथ रहा, फिर इस ग्रुप के साथ रहा,
ये भी बोलेगा हम सबके साथ रहेंगे तो अपने साथ यानी सबके साथ रहेगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तीन नंबर में बोला कि अब हम आगे रहेंगे तो ये आ जाएगा आगे, और उसके बाद कहेगा हम भी किसी के साथ रहेंगे, और किसी के साथ मतलब सबको स्वर कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अगर रहेगा ए ए ओ ओ और कोई भी स्वर आए तो ए का अय समझिएगा, ये एकले है, ये डबल है तो एगो लाइन हो जाएगा अय, ओ का औ और डबल हो गया तो औ ही बदल जाएगा आओ में, ये दोनों सेम है ना, बस अंतर क्या है इसमें आकार है, पता है क्यों, क्योंकि इसमें भी एगो बढ़ा है, इससे बढ़ा है ना, इसमें भी एगो आकार है इससे, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ है बढ़ा है। यहाँ देखिए नयन, तो यहाँ पे कैसे हो जाए, ने प्लस अन, तो ने लास्ट में क्या आया ए प्लस अन, अन तो ए, ये दोनों देखो तो ए है, ए है, आ इसके बाद कोई भी स्वर है तो ये स्वर ना है अ, ये दोनों मिलेगा जहाँ ए रहेगा उसमें अय में बदल जाएगा, तो ने प्लस अन नयन, क्या हो जाता है अय आया कि नहीं नयन, तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। तो ये स्वर संधि रहा, पहचानना सीख गए, और संधि विच्छेद भी करना आप सीख गए एक बार। आप कमेंट में लगभग इसमें दो दो कुछ संधि विच्छेद को तोड़ करके और ये दिखाइए कि ये कहाँ से टूटा है, कैसे टूटा है, और हम बिना देर किए हम लोग स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि तक ही पढ़ना है, विसर्ग संधि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। वाच्य इतना आसान टॉपिक होता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। वॉइस पढ़े ना, वॉइस वही चीज होता है, सेम टू सेम होता है, लेकिन वो इंग्लिश में अलग होता है, थोड़ा सा मतलब माइनर सा उसमें अंतर है। अगर वो नहीं पढ़े तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन ये वाच्य इतना आसान तो कोई टॉपिक है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं देखना होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझते हैं ना, माने वह जाता है वह जाती है, बस समझ गए इतना, तो जाता है मैं क्या है तो लड़का है भाई, आ जाती है तो लड़की है, बस समझ गए तो वाच्य समझ जाएंगे, वाइस जो होता है आप वाच्य समझ जाएंगे। वाच्य क्या होता है, अब वाच्य में एक चीज़ याद रखिएगा, क्रिया समझते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना तो पढ़ाने काम को क्रिया कहते हैं, काम को क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं। अभी आप मोबाइल देख रहे हैं तो देख रहे हैं तो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा क्रिया यानी क्रिया हमेशा बदलता है, खाना तो जैसे खाता और लास्ट में बदल जाता है खाती। यहाँ देखिए तो यहाँ लिखे कि राम चावल खाता है और सीता चावल खाती है, तो बताइए ये बदल गया है कि नहीं, खाता हो गया, यहाँ ऊपर खाता है और यहाँ नीचे क्या है खाती है, अब बताइए कि क्यों बदला है। हम यहाँ लिख सकते हैं सीता चावल खाता है, नहीं लिख सकते हैं कि सर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये लड़की है, वाह वेरी गुड, यही चीज तो बताना है कि यहाँ देखिए इसके अनुसार यानी राम चावल खाता है, ये लड़का है इसीलिए यहाँ खाता है, ये लड़की है इसीलिए यहाँ खाती है, इसीलिए ना लिखा गया है। तो सुनिए यानी कि जो काम करता है तो यहाँ राम हो गए कर्ता, राम क्या हो गए कर्ता हो गए, सीता भी क्या हो गई कर्ता हो गए, क्योंकि यही काम कर रहे हैं खाने का। तो सुनिए इनके अनुसार यानी कर्ता के अनुसार, दोनों काम कर रहे हैं ना खाने का काम, कर्ता के अनुसार अगर इस पर प्रभाव पड़ता है, समझिएगा ध्यान से, मतलब इस पर प्रभाव हमेशा ये काम पर प्रभाव पड़ता है, यानी किसी भी आगे के दो व्यक्तियों द्वारा अगर यहाँ क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, ये क्या है क्रिया है, काम है ना, खाना एक काम है, क्रिया पर प्रभाव पड़ता है तो उसी को कहते हैं हम लोग कर्तृवाचक वाच्य, क्या बोलते हैं कर्तृवाच्य, यानी वाच्य। अब पहले ये जान लीजिए वाच्य क्या होता है, तो वाच्य में किस कौन बदलता है, हमेशा क्रिया बदलता है, किसके अनुसार, या तो इनके अनुसार, आप बताइए खाता और खाती इनके अनुसार बदला है ना, कभी कभी देखिए यहाँ पे कर्ता के अनुसार अगर क्रिया बदले, कर्म के अनुसार भी ये बदलता है और भाव के अनुसार ही बदलता है, इसीलिए वाच्य के तीन भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं तीन भेद, वाच्य तीन को से लिखा गया ना, इसीलिए वाच्य के कितने प्रकार, तीन प्रकार होते हैं। इसमें देखिए तो यहाँ काम करने वाले के अनुसार ये बदल गया है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कर्ता के अनुसार ये अगर ये बदल जा रहा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं कर्तृवाच्य, यानी कि काम करने वाले के साथ। अब यहाँ पे सीता खाता है नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कहेंगे सर यहाँ से बदल रहा है ना, यहाँ अगर लड़का रहता तब ना, तो यहाँ काम करने वाले के अनुसार ये लिखे हैं, तो अगर पहले वाले के साथ ये बदलता है तो इस प्रकार के सेंटेंस को, इस प्रकार के वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। लेकिन वही यहाँ देखो, यहाँ मोहन ने, अब देखो लड़का और लड़की के नाम पर तो ये बदल गया, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बदला, देखो तो मोहन ने रोटी खाई या फिर सीता ने रोटी खाई, तो दोनों जगह में कहे नहीं, ऐसा होना चाहिए ना कि मोहन ने रोटी खाया और सीता ने रोटी खाई, ऐसा नहीं वाक्य होता है। अगर मोहन ने रोटी खाई अगर खाया कह रहे तो गलत है, मोहन ने रोटी खाई इसमें भी खाई ही आया, नहीं बदला, सीता ने रोटी खाई ये भी नहीं बदला, जबकि ये भी तो एक लड़का और एक लड़की है। अब ये क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ रोटी से, रोटी पर निर्भर करता है, कैसे, रोटी एक स्त्रीलिंग है, तो सुनिए रोटी एक कर्म भी है, कर्ता ने, कर्ता किसको बोलते हैं जो काम करता है, तो यहाँ खाने का काम ये करते हैं,
का खा रहे हैं? तो आप खा रहे हैं तो प्रभाव पड़ रहा है रोटी पर, तकलीफ हो रहा है ना। जैसे राम ने रावण को मारा तो राम तो अपना काम कर दिए, लेकिन उस काम का फल रावण पर पड़ा है। वैसे ही यहाँ सीता ने रोटी खाई तो यहाँ जो रोटी पर, रोटी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। रोटी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो यहाँ रोटी स्त्रीलिंग है, इसके वजह से ये वाला खा ही रह गया। ये स्त्रीलिंग है इसलिए ये खा ही रह गया, इस पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ देखिए ये कर्म है, ये क्या है बाबू? कर्म है, ये कर्म है और ये करता है। तो यहाँ पर ये नहीं बदला, किसके अनुसार? तो ये कर्म के अनुसार ये हमेशा ये दोनों दिया जाता है। तो जो कर्म के अनुसार बदले या नहीं बदले, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। अगर कर्ता के अनुसार ही बदल जा रहा है तो इसे कहेंगे हम लोग कर्त, यानी कि कर्तवाचक, यानी कर्ता वाला वाचक। अब यहाँ देखिए मोहन द्वार, हाँ एक ट्रिक समझिए, कर्मवाच्य पहचानने का तरीका है जिसमें ने और द्वारा लिखा हो, द्वारा से शुरू हो, ने और द्वारा अगर लगा है तो समझिएगा वो कर्मवाच्य है। देखिए राम ने, तो ने लगा है तो डायरेक्ट सेंटेंस बोलेगा सर वाच्य में कर्मवाच्य है। यहाँ सीता ने, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य है। उसके बाद अगर द्वारा दिखे, मोहन द्वारा रोटी खाई जाती है, आँख बंद करके मारिए, तीनों ऑप्शन में से कर्म, कर्म मारिए, ने और द्वारा में कर्म। सीता द्वारा रोटी खाई जाती है, ये भी क्या है? कर्म, क्योंकि ने और द्वारा इसमें है। यहाँ देखिए तो मोहन द्वारा रोटी खाई जाती है, ये भी नहीं बदला है। सीता द्वारा रोटी खाई जाती है, ये भी नहीं बदला है। और दोनों जबकि एक लड़का है और लड़की है, इसका मतलब कि इस पर डिपेंड ये नहीं है, ये डिपेंड है रोटी पर। रोटी स्त्रीलिंग है इसीलिए ये दोनों खाई जाती है, खाई जाती है लिखा है। और ट्रिक तो आप समझिएगा कि यहाँ से बदल रहा है, ने और द्वारा रहेगा तो कर्म। अब बाकी यहाँ आप समझ सकते हैं कि लड़का लड़की, यानी कि कर्ते के अनुसार अगर क्रिया बदले, यानी कि काम बदले, तो समझिएगा कि ये कर्तृवाचक है, इस पर प्रभाव ये वाला हो जाएगा। अब आते हैं भाववाच्य। तो ये आसान तरीका, जब ये दोनों नहीं होगा, जब ये दोनों नहीं होगा तो जाहिर सी बात है तीसरा हो। तो भाववाच्य में जानते हो क्या होता है? जिसमें से लगा हो, जिसमें क्या लगा हो? से लगा हो। और दूसरा ट्रिक समझिएगा, वो हमेशा नकारात्मक रहेगा, यानी नहीं वाला। जैसे कि मोहन से चला नहीं जा रहा है, ठीक है, मुझसे खाया नहीं जा रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो उसमें से भी है और नहीं भी है। तो जहाँ से होती है एक भाव है, एक अंदर से विचार को पता नहीं यार मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो अंदर से जो भाव आता है ना, ठीक है, एक्टिंग आता है, उसी को क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। उसमें क्या होता है? से होता है और नहीं होता है। या फिर अगर ये तीनों में से कोई नहीं दिखा तो एक जरूर दिखेगा, ने और को। ये मत कहिएगा सर ने तो यहाँ दिखेगा ना, तो ये तो हो जाएगा कर्मवाच्य। नहीं नहीं, ने अकेले नहीं दिखेगा, उसके साथ को भी रहेगा। ने और को दिखेगा तो हमेशा समझिएगा वो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए सीता ने राम को बुलाया, तो सीता ने, तो यहाँ ने भी है और यहाँ को भी है, तो दोनों साथ में, इसीलिए क्या है? भाव है। बुलाने का एक भाव होता है ना, आ जाइए स्वामी, ऐसा होता है। तो चलिए एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, अगर समझ में आया हो तो। कर्मवाच्य, कर्म में क्या क्या होगा? ने से होगा या फिर द्वारा से होगा, ठीक है, ये याद रखें। और दूसरा यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट ये पहला वाला पर नहीं प्रभाव पड़ के दूसरा वाला पर आएगा। तो यहाँ देखिए कर्मवाच्य में सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ देखिए सीता है इसीलिए पढ़ती है लगा है। अगर राम होता तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ बदलेगा, अगर ये बदल रहा है तो ये पहला वाला है। अगर कर्ता के अनुसार ये लिखा गया है तो ये वाला हो जाएगा पहला वाला, तो ये वाला नहीं होगा। किरण, किरण कुर्ता पहनती है, और लड़का रहता तब राम कुर्ता पहनता है, ती का ता हो जाएगा। तो ये कब बदल रहा है? जब पहला वाला बदल रहा है, ठीक है, लड़की और लड़का हो रहा है तब बदल रहा है, तो ये वाला ऊपरे वाला होगा। चिट्ठी भेजी जाती है, यही आंसर हो जाएगा कर्म, क्योंकि ये किसी लड़का लड़की का नाम नहीं है, लेकिन चिट्ठी एक स्त्रीलिंग है, तो ये कर्म के अनुसार बदला है। भेजना, भेजना एक क्रिया है ना, भेजना एक काम है, मान लिया कि उसको भेज दो तो बेचारा चला गया, तो भेजना एक काम है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा चिट्ठी भेजी जाती है। मैं क्या है? कर्म के अनुसार भेजी जाती है, ठीक, चिट्ठी भेजा जाता है नहीं होता है, भेजी जाती है होता है, ये बदलेगा ही नहीं। ये भी मोहन घर जा रहा है, यही लड़की यहाँ रहती तो जा रही है हो जाता है। तो इसके अनुसार अगर ये वाला बदल रहा है कर्ता के अनुसार, तो कर्ता हो जाएगा, कर्तृवाच्य होगा कि नहीं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि वाच्य क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है पदबंध, क्या होता है? पदबंध है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। पदबंध यानी कि एक ऐसा छोटा शब्द, ठीक है, जो किसी एक पूरा सेंटेंस में जाके लग के बंध जाए। जैसे हम लिखें, समझिएगा, घर जा रहा है, घर जा रहा है। अब एक पद, छोटा सा पद राम, अब ये छोटा सा पद है, ले जाके हमें बांध दे, बांध दे तो हो गया राम घर जा रहा है, सेंटेंस पूरा हुआ। तो इसी को तो पदबंध कहते हैं, राम घर जा रहा है, तो घर तो जा रहा है लेकिन कौन है? राम।
तो अलग कोई पद हो ले जाके किसी सेंटेंस में पूरा वाक्य में बांध देते हैं और खूब अच्छा सेंटेंस बन जाता है, इसी को क्या कहते हैं पदबंध। तो उसके बहुत सारे प्रकार है, वो खास एग्जाम में नहीं पूछता है। आपको पूरा का पूरा ये व्याकरण बाबू कंप्लीट हो गया, ठीक है। और पूरा का पूरा एक एक टॉपिक आपको जरूर समझ में आएगा। और हाँ, जितना आपको क्वेश्चन इसमें हम दे रहे हैं, ठीक है, अलग से उसको कमेंट कीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक याद रखना है यहाँ पे, वाच्य कितने प्रकार के, तो तीन गो से लिखा गया वाच य, तो ये हो जाएगा इसके तीन प्रकार। ऐसे ट्रिक बार बार आप कमेंट कीजिए, जितना कमेंट कीजिए उतना याद होगा, क्योंकि आपका एग्जाम तो चल ही रहा है और बहुत ही नज़दीक है, तो फिर आप इसमें घबराएंगे नहीं और आराम से रिलैक्स मोड में बनाना है, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जानते जानते हुए बहुत कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, क्योंकि घबरा जाते हैं और वो भी दिमाग से क्या होता है उतर जाता है। तो इसको ध्यान से देख करके और वीडियो को पूरा देखिएगा, वो भी अकेले में शांति से, तब जाके व्याकरण आपको एक एक मतलब तह बाई तह बैठते जाएगा, दिमाग में चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाबू ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, हर एक विद्यार्थियों के पास पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो को देख करके वो एग्जाम में बहुत अच्छा काम कर सके। पुण्य का काम अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो इससे भी एक पुण्य का काम उस विद्यार्थी का भला हो जाएगा जो कभी व्याकरण नहीं देखा होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।